चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है और स्क्रीन में शेयर नहीं हो रही। देखी उनकी कुछ क्विक बेसिक एनालिसिस भी हमने कर ली थी, आगे जब दोबारा आएंगी एक डिटेल्ड एम्पलीफायर के अंदर तो हम उस एनालिसिस को रिकॉल करेंगे। अब हम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे और हम एक चीज होती है जिसको के सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सही है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को देखेंगे, वही जो हमने पढ़े अभी तक कॉन्फिगरेशंस पढ़ी है उसी को एक्सटेंड करके डिफरेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि भाई डिफरेंशियल, व्हाट इज डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल सिग्नलिंग के फॉर एग्जांपल क्या फायदे हैं। सो एनीबडी हैज एनी आइडिया के डिफरेंशियल सिग्नलिंग क्या होती है, कैसे डिफरेंट होती है नॉर्मल सिग्नलिंग से? चलो नॉर्मल सिग्नलिंग का भी प्रॉपर नाम नहीं लेते, और क्या फायदा होता है? So for example, if I come up with a time plot of a regular signal जो कि अभी तक तुम लोग देखते आ रहे हो, let me call it the in. So it was, let's say it was something like this, कि वो एक DC था, उस DC पे बैठ कर there was an AC excursion, मतलब उसमें plus VAC minus VAC एक time variation आती थी और एक डीसी के ऊपर वो बैठा हुआ होता था, सही है। सो दिस आवर ओल्ड सिग्नल जो कि अभी तक हम देखते आए हैं, इस ओल्ड सिग्नल का तो हम नाम भी अब रख लेते हैं, इसका नाम है जरा लंबा सा, सो वी वुड कॉल इट सिंगल एंडेड सिग्नल। तो ये सिंगल एंडेड है, सही, यानी के सिंगल सिग्नल जो के ग्राउंड पे रेफर करके आप कह रहे हैं भाई दिस इज माय ग्राउंड लेवल, दिस इज जीरो, तो इससे ये इतना ऊपर डीसी में है और उसके ऊपर देयर आर सर्टेन एसी एक्सकर्शंस। सो व्हाट इज अ डिफरेंशियल सिग्नल? डिफरेंशियल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ टू सिग्नल्स, सही है, और उसमें क्या होता है कि इफ आई अगेन प्लॉट अ टाइम प्लॉट देन देयर वुड बी अ वी इन वन एंड देन देयर वुड बी अ वी इन टू, सो देयर वुड बी टू सिग्नल, दोनों सिग्नल जो हैं एक सेम डीसी पे बैठे होंगे, इस डीसी को वी वुड कॉल एज इनपुट सिग्नल का कॉमन मोड। तो अब हम इसको खाली डीसी वीसी नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये हमारे सिग्नल का डिफरेंशियल सिग्नल का कॉमन मोड लेवल है। कॉमन मोड लेवल से क्या मतलब है भाई? कॉमन मोड से मतलब ये है कि ये दोनों सिग्नल्स में मेरे प्रेजेंट होता है और इसकी सेम वैल्यू होती है। ये फिर होता है, डिफरेंस ये होता है कि वी इन वन एंड वी इन टू आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सेम एम्पलीट्यूड बट जस्ट 180 डिग्री, थोड़ा सा गलत हो गया, इट्स सेम, सही है। सो सेम सिग्नल जस्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ये वी ए सी बाई टू ऊपर गया, ये जो है माइनस वी ए सी बाई टू, अच्छा ये माइनस नहीं है, मतलब बेसिकली दिस इज अवर जीरो लेवल, तो ये माइनस किसके रेस्पेक्ट से? माइनस इस कॉमन मोड के रेस्पेक्ट से, यानी कि इस कॉमन मोड से नीचे आ गया है तो हम उसको कह रहे हैं ये माइनस है, और ऊपर चला गया है तो उसको हम कह रहे हैं प्लस है, सही है। अगर मैं इन दो सिग्नल्स का डिफरेंशियल लूँ किसी भी वक्त बैठ कर, वी इन वन माइनस इन टू करूँ, तो मेरे पास आपका आएगा वी इन वन, क्या है वी इन वन? आपके पास है लेट्स कॉल दिस वी इन वन, लेट्स कॉल दिस वी इन टू द रेड वन, सही है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आएगा वी इन वन के अंदर भी वी इन कॉमन मोड बैठा हुआ है, प्लस उसके अंदर है वी ए सी बाय टू, सही है, दिस इज वी इन वन। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं V in 2 से, तो उसके अंदर भी V in common mode बैठा हुआ है और उसके अंदर है VAC by 2 लेकिन negative में,
सही है, तो अगर मैं इन दो का सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई वुड सी के कॉमन मोड, काउन मोड तो कैंसिल हो जाएगा एंड आई वुड अचीव दिस। सही है, सही है, सो आई वुड गेट दिस। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ? मतलब फायदा अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो भाई, पहले भी अगर मैं एक एसी सिग्नल भेजा करता था तो वो वही एसी सिग्नल होता था, यानी कि वो इधर आप देख रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या होता था, वी एसी। तो अब मैंने इतनी मेहनत करी कि उसको दो सिग्नल्स में डिवाइड करा और उसको एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेस करा, उसके बाद कहीं बैठ कर उसका मतलब डिफरेंस लिया, इतनी मेहनत के बाद मुझे मिला वही भी ऐसी। सही है, सो व्हाट इज द बिग डील कि हमें ये डिफरेंशियल सिग्नलिंग एकदम से क्यों हमें सूझ गई कि इसका कोई फायदा है और हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स बनाने की तरफ चल पड़े। सो फॉर एग्जांपल, आपका एक तार है जो भी यहाँ से यहाँ कहीं जा रहा है, फर्स्ट को अज्यूम कर लो कि पीसीबी के ऊपर कोई वायर है। सही है, पीसीबी का जो सब्सट्रेट होता है आपका, लेमिनेशन और ये वो और सारा कुछ उसके ऊपर, आइसोलेशन, पैसिवेशन वगैरह वगैरह, सो दैट इज काइंड ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। सही है, इट डज नॉट कंडक्ट। उसके ऊपर जो मेटालिक ट्रैक्स होते हैं वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, एवरीथिंग एल्स इज अ डाइलेक्ट्रिक। सही है, सो अब फर्ज करो कि आपका जो काम का सिग्नल था बेसिकली, दैट वॉज रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सही है, so this was our source, this was our destination. Signal सामने यहाँ से चलना था, यहाँ पहुँचना था, so instead of calling it V signal, let's call it V in. अब ये V in हमने पहुँचाना था कहीं किसी amplifier वगैरह को या जिसके भी। अब फर्ज करो कि इसके ऊपर ना एक और तार चल रहा था, मतलब ये PCB पे एक और तार चल रहा था जो कि इससे कुछ एक आध सेंटीमीटर या कुछ few millimeter दूर था। तो बीच में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई बीच में जो है आपके, जाहिर है अब ये दो मेटालिक ट्रैक्स होंगे बीच में तो इंसुलेटर्स पड़े हुए, सो दिस इज इंसुलेटर, सो ये आपस में बेसिकली इन दो ट्रैक्स को अगर देखो, सो दे आर लाइक कैपेसिटर, इट्स अ कैपेसिटर दैट्स एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू ट्रैक्स। सही है, सो इसको हम कहते हैं सी सी, द कपलिंग कैपेसिटर, मतलब ये एक दूसरे बराबर वाले तार से इस वाले तार ने जबरदस्ती इस वाले तार से कपलेट कर ली। अच्छा, अब कपलिंग क्रिएट कर ली है तो वो सही है, तो उसमें क्या उसमें नुकसान ये है कि लेट्स से कि दिस सिग्नल वाज अ क्लॉक, अभी क्लॉक्स आप क्या करते रहिए ऐसे मुसलसल, क्लॉक इज द मोस्ट बिजी सिग्नल इन योर सर्किट, मतलब हर वक्त ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, सो इससे ज्यादा बिजी सिग्नल कोई नहीं होता। अब ये जो आपका ये जो सिग्नल था, दिस वाज एन एनालॉग सिग्नल दैट वाज सपोज टू बी लाइक दिस, ये कोई साइन वेव थी, बड़ी सुकून से जा रही थी। ये एक साइन वेव थी जो आगे जा रही थी, इस पे जब इस कैपेसिटेंस के थ्रू इस क्लॉक ने जब कपलिंग करना शुरू हुई, तो एसी कपलिंग क्या होती है, दिस कैपेसिटर इज अ शॉर्ट सर्किट फॉर दिस पार्ट एंड एन ओपन सर्किट फॉर दिस पार्ट। क्यों भाई? आपका कैपेसिटर क्या कहता है, कैपेसिटर कहता है कि मेरे गिर्द, मतलब मेरे अक्रॉस करंट फ्लो करता है अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मिलता है, तो देन आई लेट करंट फ्लो अक्रॉस मी। तो अब क्या हुआ, जब क्लॉक एकदम उठकर यहां से जीरो लेवल से हाई गई, एंड दिस इज आल्सो नोन एज, मतलब डिजिटल सिग्नल सुनने पड़े होंगे, ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, सो फ्रॉम 10% टू 90% दैट टाइम दैट इट टेक्स। सही है, दिस टाइम, दिस इज नोन एज टी आर, द राइज टाइम, एंड सिमिलरली टी एफ, द फॉल टाइम। सो टी आर कैन बी नैनो सेकेंड्स, मतलब दिस कैन बी nanosecond, so this is a very fast transition. मतलब clock तो तुम्हारी 1 mega की है, मतलब clock का जो time period है from here to here that is 1 microsecond, but the transition is a few nanoseconds, so that is a very fast transition. Very fast transition means a very high rate of change of voltage. तो जब ये very high है,
ये कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करके इट्स गोइंग टू गिव राइज टू डिसेंट अमाउंट ऑफ करंट. सो जब ये ऊपर गए साहब उठकर इधर, यहाँ एकदम से एक करंट फ्लो हुआ. क्या हो गया किसी, सो नाउ एक करंट फ्लो हुआ. ये साहब बैठे हुए थे इस लेवल पे, किस लेवल पे, इस लेवल पे. फर्ज करो ये आपका ये वाला सिग्नल इस लेवल पे बैठा हुआ था. अब वो ऊपर से एकदम से एक करंट आ गया. उसने कहा भाई ये क्या. अच्छा वो सिग्नल थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला गया. अभी ये वापस आ ही रहे थे, फर्ज करो कि ये थोड़ी देर टहलते हुए वापस आए थे अपनी नॉर्मल वैल्यू पे, तो आपकी आ गई कौन सी एज, नेगेटिव एज आ गई क्लॉक की. और अब की दफा करंट उल्टा फ्लो हुआ, किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन. तो अब ये साहब इस वक्त आपके सिग्नल जो है इस डायरेक्ट इधर बैठे हुए, ये थोड़े से नीचे गिर गए इस चक्कर. अब फिर ये पलट के वापस आए, फिर वो पॉजिटिव एज आ गई, फिर ऊपर गए. सो नाउ योर इफेक्टिव सिग्नल इज नॉट एज क्लीन एज अ साइन वेव. आपको जो सिग्नल नजर आ रहा है वो तो कोई इस टाइप का नॉइजी सा सिग्नल नजर आ रहा है. सॉरी ये नीचे वाला हिस्सा भी है, ये नीचे, फिर ऊपर, ये क्या हो गया. सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ वेरी नॉइजी सिग्नल. किस वजह से, क्योंकि ये कपलिंग आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी विद योर मोस्ट बिजी सिग्नल क्लॉक. खैर तो ये तो जिसने भी राउटिंग करी होगी पीसीबी की, वो अपने बॉस से फिर बातें तो सुनेगा कि एनालॉग सेंसिटिव सिग्नल के बराबर से तुम क्लॉक को गुजार के ले गए. लेकिन ट्रस्ट मी, मतलब इन लॉट ऑफ सर्किट्स आईसी के अंदर जैसे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स मिक्स हुए हुए होते हैं, सो आपके पास इतनी जगह ही नहीं होती कि आप डिजिटल को और एनालॉग सिग्नल को आप अलग करें. सही है. तो भाई इस सारे मसले का डिफरेंशियल से क्या ताल्लुक है. अब डिफरेंशियल से ये ताल्लुक है, फर्ज करो कि मैं अपना सिग्नल अब ऐसे लेकर जाता दो टुकड़ों में, और ये बीच में मेरा एग्रेसर फर्ज करो फॉर एग्जांपल बीच में बैठा है. अभी तो क्योंकि मैं अजीब सी स्टेट स्पेस बना रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं बीच में दिखा रहा हूँ, वरना ऐसे जाहिर है कौन बेवकूफ बीच में क्लॉक को घुसा देगा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग माई पॉइंट सिमेट्री ऐसे मैं दिखा रहा हूँ. सही है. तो अब ये कपलिंग भी बनी, अब ये डिफरेंशियल सिग्नल है. सो दिस इज वी इन वन, दिस इज वी इन टू. वी इन वन में क्या है, वी कॉमन मोड है प्लस वी ए सी बाय टू है. इसमें क्या है, वी कॉमन मोड है और माइनस वी ए सी बाय टू है. सही है. तो ये दोनों सिग्नल चले. तो अब क्लॉक साहिबा जो है वो तो लगी हैं, वो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगी हैं. तो हाल इनका भी खराब कर दिया उसने. ये ऊपर गए थे, ये क्योंकि डिफरेंशियल थे ये नीचे गए थे. क्लॉक ने क्या किया, क्लॉक ने उठा के चलो यहाँ पे बात करते हैं. सो दिस ब्लैक थिंग, क्लॉक ने फर्स्ट तो इन दोनों के ना एक नॉइस क्रिएट करी थी, कहाँ, यहाँ. सही है. इसके भी उसी जगह पे नॉइस क्रिएट करी थी, कहाँ, यहाँ. सही है. हमने अपना सिग्नल रिकवर कैसे करना था, हमने इवेंचुअली जाकर इन दोनों को लेना था एक डिफरेंस, और इसको कहना था कि भाई मुबारक हो भी एसी आ गया, जो हम पहले हैरान हो रहे थे, खुद डिवाइड करा दो में, खुद डिफरेंस लेकर उसको वापस रिकवर कराओ, बड़े खुश हो रहे. सो अब जब ये डिफरेंस लिया ना, तो ये जो क्लॉक ने नॉइस फेंकी थी, दिस गॉट कन्वर्टेड इन टू कॉमन मोड नॉइज. दोनों पे एक ही तरीके से अपेयर हुई. तो कॉमन मोड क्या करता है, डिफरेंशियल ऑपरेशन किल्स कॉमन मोड. आप ये थोड़ी देर पहले भी देख चुके. अभी थोड़ी देर पहले आपने कहाँ देखा था, जब कि आपके डिफरेंशियल ऑपरेशन ने उठा के आपके कॉमन मोड सिग्नल को जीरो कर दिया था और आपको खाली एसी पकड़ाया था. उसने कॉमन मोड को सब्ट्रैक्ट करके आपको कहा था भाई बस ये दोनों में कॉमन है. सो जो भी चीज़ दोनों सिग्नल्स में कॉमन होगी, तो आपने नॉइस तो थी उधर, क्लॉक तो थी, वो कपलिंग तो होनी थी. जो भी आप किसी एनवायरमेंट में काम कर रहे थे उधर, देयर वॉज नॉइज जो कि आपके सर्किट को तंग तो करती है. लेकिन आपने क्या चालाकी करी, आपने उस नॉइस को इस तरीके से अपेयर करवाया अपने सिग्नल पे कि वो कॉमन मोड बन गई. और कॉमन मोड बनने के बाद जब आपने उसका डिफरेंशियल ऑपरेशन किया, तो वो कॉमन मोड बन के कैंसिल हो गई. सही है. इस टाइप की नॉइजेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. और मतलब मैं तुम लोगों से भी पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल एक मोस्ट प्रिवेलेंट नॉइज जिसको हम सुनते हैं वो ये कि भाई सप्लाई नॉइज. अब सप्लाई नॉइज क्या है,
let me just draw a small amplifier. So here are we in V bias of PMOS. This is your supply, and this is your V out. ये कौन सा amplifier है भाई? हाँ बताओ यार. कॉमन सोर्स. कॉमन सोर्स विद दिस इज अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद अ करंट सोर्स लोड. तो ये कहाँ है करंट सोर्स? ये रही आपका. कैसे है ये करंट सोर्स? सो दिस इज वी बी टी. सही है. इसको एक डीसी वोल्टेज बायस वोल्टेज से हमने इसके गेट पे बायस करा हुआ है. एंड दिस गाय ऑब्वियसली 2-1 दे बोथ इन सैचुरेशन. डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2 दे बोथ इन सैचुरेशन. तो जब आप एक सैचुरेशन में डिवाइस को उसके गेट पे आप डीसी वोल्टेज देते हैं या उसका वीजीएस आप डीसी कर देते हैं या उसका ओवरड्राइव आप डीसी कर देते हैं तो इसका वीजीएस कहाँ है? पीमॉस का. ये इसकी सोर्स है. ये भी डीसी है. ये आपने डीसी वोल्टेज दिया है. सो वीएसजी इज डीसी और इसका ओवरड्राइव डीसी हो गया. सो इट्स गोइंग टू गिव यू अ कांस्टेंट डीसी करंट. सो दिस इज अ करंट सोर्स. और जब ये आपके एम्पलीफायर के ऊपर लगा हुआ है जिधर के लोड लगा करता है. सो दिस इज अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद करंट सोर्स लोड. सही है. तो इसका नॉर्मल गेन क्या हुआ करता था भाई? Minus GM R0 1 parallel with R0 2. Yes. So minus GM 1 R0 1 parallel with R0 2. Assuming के दोनों में channel length modulation मौजूद है. सही है. तो ये इसका gain हुआ करता था. अब इसी amplifier को ना मैं आपको एक different तरीके से दिखाता हूँ कि आप ये assume करेंगे आपकी जो supply है ना there is a noise on your supply. सही है. अब अभी तक तो हम ये अज्यूम करते थे ना कि ये डीसी है और बड़ा पक्का डीसी है. तो हम इसको अज्यूम कर लिया करते थे कि भाई दिस इज एन एसी ग्राउंड. सही. तो अब जरा इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ वही आपके पुराने बेस्ट फ्रेंड एम्पलीफायर को. उसको मैं रीड्रॉ करता हूँ. सो यू बी सरप्राइज कि इट वुड लुक लाइक डिफरेंट एम्पलीफायर. अच्छा फिर वही वाली बात कि जब हम एक एंगल से हम किसी डिवाइस को देख रहे होते हैं तो हम दूसरी तरफ एक्साइटेशन जो है तो अब इधर में भी इन की जगह मैं आई वुड जस्ट अप्लाई अ फिक्स डीसी. मैं यहाँ एसी को जीरो कर दूंगा. सही है. क्यों? क्योंकि अब मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रॉम गेन फ्रॉम हेयर. मैं आई एम इंटरेस्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. अब यहाँ पर वीडीडी डीसी नहीं रहा बल्कि वो कंपोजिट हो गया कि जिसमें डीसी तो है प्लस देर इज एन एसी सिग्नल एज वेल. तो यहाँ क्या लगा हुआ भाई? यहाँ पे वही लगा हुआ है वी बी पी द डीसी. अब यहाँ से देखो जरा इसको. What kind of amplifier it is now? मतलब VDD से V out तक is that an amplifier or what? ये जानते हो तुम लोग इस amplifier को? तो जब इनपुट सोर्स पे आती है और आउटपुट ड्रेन से आती है गेट पे कुछ नहीं होता तो वो कौन सा एम्पलीफायर होता है? कॉमन गेट. यस. सो दिस इज अ कॉमन गेट एम्पलीफायर. इफ यू लुक इनटू दिस टर्मिनल वीडीडी वाले टर्मिनल तो भाई ये तो सप्लाई की नॉइस के लिए दिस इज एक्टिंग लाइक अ कॉमन गेट एम्पलीफायर अगेन विद अ करंट सोर्स लोड. करंट सोर्स लोड कौन है भाई? अब आपकी दफा उसको जाहिर है हमने कोई नाम लिखकर थोड़ी दिया है. वो तो उसको क्या पता कि कौन कॉमन सोर्स है कौन क्या है. यार क्यों नहीं लिख रहा है? तो ये साहब उठ के अब इसके लिए कॉमन सोर्स लोड इसके लिए लोड बन गए और ये कॉमन गेट इनपुट स्टेज बन गया. ये सो लेट्स कॉल दिस 2 लेट्स कॉल दिस 1 अगेन जैसे पहले नंबर था. तो इसका गेन क्या होगा? इसका गेन होगा कॉमन गेट का माइनस नहीं होता प्लस होता है. सो दिस वुड बी जीएम 2 R0 1 parallel R0 2. तो भैया ये तो एक एम्पलीफायर बन गया. एंड दिस इज एक्चुअली एम्पलीफाइंग योर सप्लाई नॉइज. ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. हम तो कौन सा हमेशा से पाथ सोचते आए हैं. हम तो हमेशा से
ये वाला पाथ सोचते हैं कि यहाँ इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट निकलती है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अगर सप्लाई पे नॉइज हुई तो ये तो यहाँ से भी इट्स जस्ट अनदर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये आपको फिर सिंगल एंडेड सर्किट्स के नुकसान नजर आना शुरू हुए कि अगर सप्लाई पर जरा सी भी नॉइज हुई। एक तरीका तो क्या है जो कि आपको नजर आ रहा है कि यू मेक श्योर कि GM2 इज वेरी 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 लो, सही है। GM2 आप बहुत ज्यादा लो कर दें तो जो सप्लाई नॉइज का गेन है वो कम हो जाएगा, चलो बहुत अच्छी बात है, सही है। दूसरा तरीका क्या है कि आप R01 इन पैरेलल विद R02 को कम कर दें, लेकिन फिर वो आपका एक्चुअल गेन भी मारा जाएगा। एक्चुअल गेन क्या है आपका, जो कि बेसिकली GM1 विद दिस थिंग, सही है। तो वो तो आप इसको ले डूबेंगे अपने एक्चुअल गेन को, तो इसको तो आप नहीं टच कर सकते इस वाले से। हाँ GM2 वो चले आप बहुत कम कर दें, लेकिन एक वक्त आएगा कि यही चीज आपको करंट दे रही है नीचे। आप GM1 इज डिफाइनिंग GM1 करंट कैसे डिफाइन करती है भाई, GM की क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट टू आई डी ओवर KN, सही है। तो वो ये जो GM की वैल्यू चाहिए आपको, एक पर्टिकुलर ID चाहिए। अब अगर GM1 चाहिए एक लेवल पर तो एक करंट चाहिए। अब अगर वो करंट आपने दे ही दिया है तो व्हाट कुड बी द मेथड टू रिड्यूस GM2, जो करंट फिक्स कर दिया आपने क्योंकि GM1 लानी है। अब मैं GM2 को कैसे नीचे कर सकता हूँ भाई, एनी आइडिया? जवाब तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है, बस एरिया, एरिया को कम कर, एरिया तो नहीं है, एरिया तो नहीं, मतलब वही ऑलमोस्ट सेम बात कर रही हैं आप, लेकिन हैं केएन, यस केएन। जवाब जो है केएन में छुपा है। केएन क्या होता है, म्यू एन सीओक्स, ये तो फिक्स होता है। सो डब्ल्यू बाय एल टू आईडी, तो आईडी फिक्स हो चुका। अब आई कैन डू व्हाट, I can increase this, है कि अगर मैं W by L को बढ़ा दूं तो मेरा GM जो है वो कम आ जाएगा, सही है। अच्छा अब ये मुसीबत मुझे फिर वहां से टकरा देती है जब मैं बात करता हूँ कि GM2 is equal to mu n C aux W by L and then we overdrive, सही है। यहाँ फिर मैं घूम जाता हूँ, यार डब्ल्यू एल को बढ़ाना है, डब्ल्यू एल को कम करना है, सही है। तो अब इस वक्त जी एम टू के लिए शुड आई कंसीडर दिस इक्वेशन और शुड आई कंसीडर दिस इक्वेशन, करंट जो है सर्किट का किसके हाथ में है, वन के हाथ में या टू के हाथ में, वन के हाथ में? हाथ में है, नहीं वन तो इज जस्ट अ ट्रांसकंडक्टर, सही है। हु इज अवर करंट सोर्स इन दिस सर्किट, दिस इज अवर करंट सोर्स, सही है। दिस इज अवर जी एम, दिस इज अवर ट्रांसकंडक्टर, सही है। तो करंट तो इन सब ने डिफाइन करना है। सो इफ आई इंक्रीज इट्स ओवरड्राइव, इफ आई वांट टू इंक्रीज द करंट ब्ला ब्ला ब्ला, आई वुड कंट्रोल द करंट ऑफ द सर्किट थ्रू दिस। सो जब करंट आपके हाथ में होता है और दूसरे के हाथ में नहीं होता, सो दिस इज द इक्वेशन दैट वर्क्स। जब करंट फिक्स होता है, सही है, और दूसरे के हाथ में होता है, आपके हाथ में नहीं होता, देन दिस इज द इक्वेशन दैट is used, सही है। तो अभी तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई GM को कम करना है तो मुझे W by L को कम करना होगा, जिसको आप एरिया कह रही हैं अभी। नॉट रियली एरिया, एरिया कम ही होगा, लेकिन एरिया डायरेक्टली मतलब इज कंफ्यूजिंग। सो वॉट आई हैव टू डू इज के W को कम करूँ और L को बढ़ाऊँ, W by L कम हो जाएगा। सो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, वही जिसके लिए हम डिफरेंशियल सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं। So, एक टर्म तुम लोगों ने सुनी होगी अपनी अंडरग्रेड स्टडीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब वगैरह में, ये क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। हाँ ये क्या चीज होती है, मतलब उसके नाम ये में डिफरेंशियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बताती है डिग्रीज में कितना रिजेक्ट किया है सिग्नल में। हाँ किसको रिजेक्ट किया है, कॉमन मोड को, जो डीसी हमारा रिजेक्ट हुआ था सिग्नल में, नॉइज जो रिजेक्ट हुई थी, हाँ, उसकी डिग्रीज बताती है। तो,
कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आप बात करते हैं, आप कहते हैं यार मेरे जो वो था ना भाई, मेरा जो एक्चुअल गेन था ना एम्पलीफायर का वो इतना था, डिफरेंशियल गेन और उसका कॉमन मोड का गेन इतना था. सो कॉमन मोड का गेन बहुत कम होना चाहिए, यानी कि कॉमन मोड को तो सब्ट्रैक्ट करके तबाह कर दे और जो डिफरेंशियल सिग्नल है ना उसको एम्पलीफाई कर दे. सो 80 MRR और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो विच इज वेरी वेरी लार्जर देन 1 इज कंसीडर्ड वेरी गुड इन डिफरेंशियल सर्किट. सही है. तो ये वो टर्म है जो कि तुम लोग थोड़ा बहुत देख चुके हो. अच्छा, एक टर्म ये भी देख चुके हो, पहले मैं तुम लोग फैमिलियराइज करा दूं बिफोर वी गेट इनटू डिफरेंशियल सर्किट्स. PSRR भी देख चुके हो, ये क्या चीज होती है भाई? ये डेटा शीट्स जब तुम लोगों ने पढ़ी होंगी 741 OPAM की वगैरह वगैरह, तो ये उनके सारे प्लॉट्स आप देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा यार चलो ये है कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं आप इस पर. सो दिस इज पावर सप्लाई, पावर सप्लाई टू आउटपुट गेन ये है. दिस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, दिस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. तो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो शुड ऑल्सो बी वेरी हाई फॉर अ गुड सर्किट. ताकि पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो का मतलब क्या हुआ कि पावर सप्लाई में जो नॉइज है उसको रिजेक्ट कर रहा है. कॉमन मोड रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये जो सिनारियो था आपका ये वाला कॉमन मोड वाला जिसमें कि आप पर दोनों सिग्नल्स पे कॉमन पड़ रही थी नॉइज, उसको कितना कैंसिल कर रहा है. सही है. अब कैंसिलेशन में क्या इशू है भाई, कैंसिलेशन में सब्ट्रैक्ट आपने कर दिया, सही है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन ऐसी है जो कि कॉमन मोड को भी एम्पलीफाई कर जाती है, कॉमन मोड भी नहीं कैंसिल करती, ये तो अभी हमने मैथमेटिक्स से सब्ट्रैक्शन लिखी है ना, हमें तो अब एक्चुअल सर्किट में सब्ट्रैक्शन करनी. तो अगर कोई ऐसी है सब्ट्रैक्शन जो कि कॉमन मोड को नहीं किल करती, उसको भी एम्पलीफाई करती है, उस पर रिस्पॉन्ड करती है, देन इट डजंट मेक एनी सेंस कि वो आपका कॉमन मोड गेन होगा हाई, फिर आप जाहिर है आपके PSRR और CMRR आपके लो होंगे. सो दिस इज व्हाई वी वुड लाइक टू गेट इनटू डिफरेंशियल सिग्नलिंग, एंड डिफरेंशियल सिग्नलिंग के लिए जाहिर है फिर हमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स की जरूरत पड़नी है. Okay. So now let's get into a basic differential amplifier. आपने कहा यार अब चलो अब मुझे नहीं पता, मैं सबसे पहला जो एम्पलीफायर था जिससे मैंने शुरू करा था दैट वाज अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद अ रेजिस्टिव लोड, मैं उसकी यहाँ इनपुट दिया करता था. सही है. तो इनपुट दे दी मैंने, आप मुझे तंग ना करें, और ये आउटपुट ले ली मैंने. सही है. ये VDD लगा हुआ है और इसको मैं RD कहा करता था. अब आप मुझसे कह रहे हैं कि यार इसको आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर दें, तो एक तो डिफरेंशियल में मुझे पता है कि मेरे पास खाली Vin नहीं है बल्कि Vin1 है और Vin2 भी है. तो अब मैं Vin2 को कहाँ लेकर जाऊँ भाई, मैं किस तरीके से Vin1 को तो चलो मैंने इसके गेट पे अप्लाई कर दिया, अब मैं Vin2 को भी इस पे अप्लाई कर दूँ, ये कैसे, दो सिग्नल शॉर्ट हो जाएंगे, ये मतलब मैं कैसे अप्लाई करूँ. सही है. तो अब ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं Vin2 को कहाँ लेकर जाऊँ. तो एक दोस्त ने कहा भाई Vin1 को कहाँ लगाया है, एक ट्रांजिस्टर के गेट पे लगाया है ना, तो बस अब एक ट्रांजिस्टर और लाओ, अगर इनपुट देनी है लाओ एक और. सही. तो आपने अच्छा भाई चलो मैं ले आया एक और ये इसके गेट पे मैंने लगा दिया. अब क्या करूँ मैं क्या भाई, जो उसके साथ स्लूक किया था वही स्लूक करो, इसकी सोर्स को ग्राउंड करो. अच्छा अब ये कि जब एक ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा ले आए हो तो एक रजिस्टर एक्स्ट्रा लाने में क्यों इतना परेशान हो, एक रजिस्टर भी एक्स्ट्रा ले आओ. कह दिया तो इसको RD1 कह दिया, इसको फिर RD2 कह दिया, और अब उसके बाद यही होना था ना कि इसको Vout1 कहना था, इसको Vout2 कहना था, और इवेंचुअली कहीं जाकर जब इन दोनों ने अपना सिग्नल कहीं लेकर चले आना था. ये तो दिस इज लेट्स से मैं तुम लोगों को अगर थोड़ा सा बिगर पिक्चर दिखाऊं, दिस इज अवर ट्रांसमिशन एंड. ट्रांसमिशन एंड क्या है कि
कि आप यहां से जो सिग्नल भेजना चाह रहे थे V in 1 V in 2, अब इसने क्या किया, इसने आपके एम्पलीफायर ने जनरेट करा V out 1 और V out 2, और ये फाइनली दिस इज योर ट्रांसमिशन एंड। ट्रांसमिशन एंड से आगे जाकर देयर इज अ रिसीविंग एंड, जिन साहब ने रिसीव करके अब आगे उसने सिंगल एंडेड निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है, वट एवर वो दैट इज राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न अबाउट। देयर हैज टू बी समवन जो कि इन दो को रिसीव करे और इन दो का डिफरेंस लेकर उसके बाद आगे जो भी करना है बाद में देखेंगे, लेकिन देयर हैज टू बी समवन जो कि इन दोनों का डिफरेंस ले। तो अब वो डिफरेंस अभी यहाँ नहीं ले रहे अभी हम, सही है। हमने कहा कि भाई आपको डिफरेंशियल सिग्नल चाहिए था, एम्पलीफाइड सिग्नल, आप डिफरेंशियल इनपुट तो लाएं। तो उन साहब ने आपके सर पे डिफरेंशियल इनपुट लाके दिए हमारी, उन्होंने कहा ये रहा V in 1, ये रहा V in 2, इन दोनों में क्या बैठा हुआ है, इन दोनों में बैठा हुआ है V common mode plus V in by 2, और यहाँ बैठा हुआ है V common mode minus V in by 2। उन्होंने कहा ये लें डिफरेंशियल सिग्नल करें अब आप। अब आपने कहा अच्छा भाई चलो सही है, सिंगल एंडेड में मैं एक ट्रांजिस्टर लगाता था, डिफरेंशियल में मैंने दो लगाए, एक को इनपुट यहाँ दिया, एक को इनपुट यहाँ दिया, उसके बाद ऊपर मैंने दो रेजिस्टर्स को कॉमन करके लगाया और यहाँ से मैं आगे चला, सही है। सो हाउ डू यू थिंक कैसा एम्पलीफायर है? Any idea? मतलब ये इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है, इट लुक्स लाइक इट्स अ गुड थिंग एंड दिस कैन वर्क, क्योंकि यहाँ से कॉमन दोनों इनपुट जो हैं वो ग्राउंड पे रेफर हो रहे हैं, दोनों ट्रांजिस्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों रेजिस्टर्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि सिमिलर हैं, देयर इज नो मिसमैच बिटवीन टू रेजिस्टर्स, सो दिस कैन एक्चुअली वर्क। हाउएवर व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, द प्रॉब्लम इज हम इसको थोड़ा सा अलग करके जरा सा प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। सो लेट मी जस्ट लुक एट दिस एम्पलीफायर, लेट मी लुक एट दिस एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर प्रेफर करोगे, किस वजह से? हम मुख्तलिफ प्रोज एंड कॉन्स हम देख चुके हैं, अगेन RD, अगेन V in, अगेन V out, अगेन V in, again we out, same thing. So would you prefer this one or this one? Gain ka to tum logo ko issue pata hai ki RD zahir hai gain ko badhane ke liye RD aapko theek thak hi chahiye, aur wo on chip RD passive RD se lana possible nahi hai. Lekin farz karo ki abhi main kehta hu gain ko hata kar kisi aur tarike se dekho to kya hoga, अच्छा चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कौन सा एम्पलीफायर है जो ज्यादा स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग पॉइंट? सेकंड वन कांस्टेंट आईडी। क्यों? वो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा डीसी बायसिंग में चेंज कर देगा, वहां हमें कांस्टेंट आईडी चाहिए। हाँ तो पहले वाले को क्या तकलीफ है? आरडी ये आपने बताया था रीजन कि अगर वी आउट हमारा चेंज होगा तो RD के साथ साथ हमारा V out change होता रहेगा, तो हमें current constant ही मिलेगा। V out, हाँ, V out change होगा तो RD की वजह से current भी change होता रहेगा, सही है। So, हमारा भाई operating point क्या चीज़ हुआ करती थी? Operating point ये होती थी कि हमने अपने ट्रांजिस्टर को जो स्क्वायर लॉ है उस पर एक ऑपरेटिंग पॉइंट पे ले जाके बिठाया था। सो दिस इज VGS एंड दिस इज ID, दिस इज अवर DC ID एंड दिस इज अवर DC VGS, सही है। सो दिस इज अवर ऑपरेटिंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, द DC VGS, द DC ID। DC VGS हमने कैसे फिक्स कर दिया? इधर DC दिया, ये रहा, ये तो वैसे ही ग्राउंड पे लगा है, कहानी खत्म हो गई। ID, हु इज कंट्रोलिंग ID? दिस गाय इज कंट्रोलिंग ID इन दिस मैनर कि यहाँ इसके गेट जो ड्रॉप होता है इधर से इधर, उसको ये ड्रॉप को डिवाइड करके अपने आप से आपको ID पकड़ा देता है। तो अब वी आउट जैसे जैसे चेंज होता है, आउटपुट आती है, कुछ होता ही होता है, ये सब अपना आईडी चेंज करते रहते हैं।
अब आईडी चेंज करते रहते हैं तो आपका एम्पलीफायर तो ऊपर नीचे डिस्को करता रहता है, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। तो अब ये तो अजीब सा एम्पलीफायर है जो कि अपना गेन, गेन कौन है, गेन है स्लोप एट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे गेन कौन है, स्लोप एट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे कौन है, स्लोप एट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट। ये तो अजीब सा एम्पलीफायर है जो कि इनपुट की वजह से आउटपुट चेंज होता है और आउटपुट के चेंज होने से आपका आईडी चेंज कर देता है। इधर क्या है, एम्पलीफायर नंबर टू, व्हाट्स हैपनिंग हियर, हियर आईडी, इसने कहा भाई करते रहो तमाशे, मैं तो एक आइडियल करंट सोर्स हूँ, मेरी चैनल एंड मॉड्यूलेशन जीरो है, सो मैं तो फिक्स करंट दूंगी। आईडी पर तो आपने टिका के बिठा दिया, इधर से आपने वीजीएस फिक्स कर दिया, सो अब आपका बायस पॉइंट बड़ा टिक कर जो है ना वो बैठ गया। अब आप इनपुट दें और आउटपुट जो है देयर वुड बी अ फिक्स्ड गेन, सही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिक नॉन लीनियर एम्पलीफायर। अगर छोटा मोटा इनपुट है तो चल जाता है, छोटी मोटी आउटपुट है, दिस इज अ मच मोर रोबस्ट एंड लीनियर एम्पलीफायर, सही है। अब नॉन लीनियरिटी क्या थी भाई, पिछली दफा हमने देखा था कि अगर सिस्टम आपके इनपुट पर ही सिस्टम का रिस्पॉन्स, सिस्टम का गेन अगर इनपुट पर डिपेंड करने लग जाए, दैट गिव्स राइज टू नॉन लीनियरिटी, सही है। तो अब इस पर्सपेक्टिव में वी हैव टू लुक एट द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो हमने शुरू इसको इसलिए किया था ऐसे बेसिक, इधर के हम जरा डर गए थे, हमने कहा यार क्या डिफरेंशियल डिफरेंशियल क्या शुरू कर दिया ये। सो हमने दोनों को बेसिकली सिंपल तरीन रेजिस्टर बेस कॉन्फ़िगरेशन इधर भी करके हमने इसको ट्रांजिस्टर के साथ लगा दिया। दिस गाय अगेन नॉन लीनियर वन जिसका बायस पॉइंट हिलता है, दिस गाय अगेन नॉन लीनियर वन जिसका के बायस पॉइंट हिलता है। तो भाई अब एक काम करते हैं कि इनको उठाकर हम फिर एक रोबस्ट कांस्टेंट करंट वाले डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक करंट सोर्स यहां लगाई, एक करंट सोर्स यहां लगाई, सही है, और ये वीडी ये V in 1, V in 2 और ये अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यार V out 1 and then V out 2, सही है। क्या ख्याल है, बात बन गई, लेट मी कॉल दिस ID 1 ID 2, बात बन गई है या नहीं बनी है, अभी भी कुछ मसला है। अब मतलब तुम लोगों को ये भी पता है कि हम बात बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली पहले तो हमने कहा यार ये तो बायस पॉइंट तो स्टेबलाइज कर लो। अब बायस पॉइंट स्टेबलाइज करने के लिए हम जब भी किसी चीज को डिफरेंशियली हैंडल करना है कि एक चीज ने ऊपर जाना है एक चीज ने नीचे जाना है इक्वली, सही है, तो हमने एक बड़ा एक कॉमन मोड पर्सपेक्टिव देखना है, कॉमन मोड रेफरेंस देखना है कि भैया उस चीज से इतना ऊपर है, उससे इतना ऊपर है, उससे इतना नीचे, तो फिर हमें उसका डिफरेंस लेकर हमने देखना है। तो कॉमन मोड पर्सपेक्टिव नहीं बन रहा, ये दो अलग अलग सर्किट्स हैं ये असल में। अब मैं इनको कहाँ मतलब ये इसको मैं ऐसे कर दूँ बस बीच में से, तो ये अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट है, ये आपस में कनेक्टेड तो है ही नहीं भाई, आपस में कनेक्टेड कहाँ है, ये रहे कनेक्टेड, सही है। यहाँ अगर मैं बीच में ग्राउंड कर दूं तो यहाँ पे कनेक्टेड है, अब बाकी इसके अलावा देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम, देयर इज नो कॉमन मोड रेफरेंसिंग बिटवीन देम। अगर तो आईडी वन और आईडी टू में थोड़ा सा फर्क हुआ तो ये कहीं निकले हुए होंगे, ये कहीं निकले होंगे पहले ही इनपुट आने से पहले ही कि आईडी वन में थोड़ा सा फर्क है आईडी टू, तो ये कैसा मतलब हम जो है इसको कैसे फिर हैंडल करेंगे। सो we have to look for a point in the circuit jidhar ke hum koi isko common mode level par hum isko la sake, jidhar ke circuit similar hai, jidhar se short ho sake bhai, ek to ye hai ye aapas mein short hua bhai, ab yahan se to khair waisi koi signaling nahi ja rahi ho, matlab sahi hai chalo wahan se current source aa rahi hai, do different current sources do different paths mein toot ke aa rahi hai, ek ye level hai jo ki short ho sakta hai aur ground pe aaya hua hai। आउटपुट को आप वैसे ही आप इन दो को तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनको आपस में शॉर्ट कर दें, सवाल ही नहीं है, इनपुट को आप नहीं शॉर्ट कर सकते। सो व्हाट इज बेसिकली लेफ्ट
फॉर अस इज दिस टर्मिनल और दिस टर्मिनल के. अब इसको पकड़ के हम कुछ कॉमन मोड रेफरेंसिंग के लिए कोशिश करें. इस टर्मिनल को अगर शॉर्ट वोट करा तो ये आउटपुट के बहुत पास है और फिर वही इशू होगा कि आउटपुट को मतलब इधर अगर कोई कॉमन चीज क्रिएट करी तो आउटपुट को दो डिफरेंशियल आउटपुट में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा. सो लेट्स ड्रॉप दिस आइडिया, लेट्स वर्क ऑन दिस आइडिया कि इसको हम कैसे कॉमोड रेफरेंसिंग की तरफ ले जा सकते हैं. तो हम एक काम करते हैं, हमने इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट करते हैं and then we connect a common current source here and then we call this ISS. normal halat mein kya hota hai, normal halat mein aadha current yahan jayega ISS by 2. sahi hai, aur ye dono is point pe milkar merge hokar aapko jo hai is current. तो अब क्या है कि आपने दोनों को एक ही कॉमन पॉइंट पे करंट सोर्स के थ्रू कनेक्ट करके, तो अब जो भी होगा कि आप फर्स्ट करें, आप वी इन इधर ऊपर जाता है तो ये ज्यादा करंट इससे ड्रॉ करेगा, वो अभी हम देखेंगे. तो यहाँ नीचे जाता है तो ये करंट से करंट सोर्स से कम करंट ड्रॉ करेगा, तो यहाँ करंट बढ़ जाएगा, यहाँ करंट कम हो जाएगा, लेकिन कितना उसी टोटल उनका उतना ही रहेगा. तो आपका जो कॉमन मोड है वो बैलेंस रहा, टोटल जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बैलेंस रही, एक तरफ ज्यादा हो गया एक तरफ कम हो गया, लेकिन अगर आप दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो बराबर रही. सो दैट इज अ गुड बैलेंसिंग पॉइंट. सही है, तो इधर से हम जरा लेकर चलते हैं अब, और करंट सोर्स ऊपर से हटा गया ना, इसको जरा सिंप्लीफाइड सर्किट में वापस डिफरेंशियल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं. और इसको जी अच्छा, ये जो आपने नीचे IS लगाया है सर, ये दोबारा बता दें. अच्छा एक मिनट, सो द पॉइंट इज ISS का पॉइंट हम लाए थे कि भाई ये जो अगर रजिस्टर से बायस करोगे दैट वुड बी नॉन लीनियर. सही है, तो हमने कहा यार नॉन लीनियर एम्पलीफायर नहीं चाहिए, हम तो अब करंट सोर्स लोड बना लेते हैं. सो वी वुड लाइक टू गो फॉर दिस. ठीक है, तो करंट सोर्स हमने लगा दी लाकर, अब वो ऊपर लगाई हमने. आप उसके बाद हमने कहा यार ये करंट सोर्सेज में भी तो फर्क हो सकता है कि ID1 थोड़ा सा डिफरेंट हो, ID2 थोड़ा सा डिफरेंट हो. ये तो दो सर्किट्स बिल्कुल अलग अलग सर्किट्स हैं जो पड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, सिर्फ इधर से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम एक डिफरेंशियल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो इन सर्किट्स का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है. हमने कहा चलो यार ताल्लुक क्यों बनाना है, ताल्लुक इसलिए बनाना है कि डिफरेंशियल सिग्नल मीन्स के देयर इज अ कॉमन मोड एंड देन देयर इज वन गाय गोइंग अप, देयर इज अ गाय गोइंग डाउन, देयर इज डिफरेंशियल सिग्नलिंग, बट दे आर वेरी मच रिलेटेड. किसी भी वक्त आप इस वाले सिग्नल में और ये ऐड करें आपको क्या आएगा, टोटल जो आएगा वो यही आएगा. इस जगह पर ऐड करें इन दोनों सिग्नल्स को तो टोटल क्या आएगा, ये आएगा. इस जगह पर ऐड करें तो टोटल क्या आएगा, यही आएगा. सही है, सो देयर हैज टू बी अ रेफरेंस कि भाई जिस वक्त सर्किट जिस वक्त भी चल रहा है तो एक तरफ डिफरेंस उतना ही है, एक तरफ एक्सकर्जन उतनी ही है जितनी दूसरी तरफ है नेगेटिव डायरेक्शन में. तो अब वो जब ही हो सकता है जबकि देयर इज अ कॉमन पॉइंट इन योर सर्किट. अब कॉमन पॉइंट कैसे आए, कॉमन पॉइंट खाली वही नोड्स दो सर्किट के शॉर्ट हो सकते हैं जो कि कॉमन पोटेंशियल्स पे लगे हैं. हमने कहा भाई एक तो पोटेंशियल ये VDD, एक पोटेंशियल ये ग्राउंड, इन दो को आप शॉर्ट कर सकते हैं. आपने कहा अच्छा चलो यार VDD को शॉर्ट कर लिया. अब आपने कहा कि भाई उसके बाद ये सोर्सेस तो अभी भी दो अलग अलग ही रही, तो अगर यू आर कंट्रोलिंग बायस पॉइंट यूजिंग दीज सोर्सेज, एक तो काम है कि इन सोर्सेज को यू आर यूजिंग जस्ट एज अ लोड. एक ये है कि हु कंट्रोल्स द बायस पॉइंट. सही है, तो अभी ये थोड़ी थोड़ी देर में मैं इस बात पर आता हूँ दोबारा. तो आपने कहा कि भाई इसीलिए ना हमने ये दोबारा जो है इधर रजिस्टर वाला ले आए हम वापस. सही है, और अब तुम लोग ये हैरान हो गए कि भाई अभी रोबस की बातें हो रही नहीं, अब आप उठा के दोबारा रजिस्टर ले आए. तो अभी मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि वो रजिस्टर का नुकसान कैसे चला गया. सही है, तो अब आपने कहा अच्छा भाई ये कॉमन पॉइंट तो बन के अभी भी ये दो सोर्सेज अलग ही रहती हैं. अगर मैं यहाँ पर क्या करता, अगर मैं इनको कॉमन करके एक सोर्स चलाता
और एक इधर ले जाता और एक इधर ले जाता, तो फिर मेरे लिए दो आउटपुट लाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये तो शॉर्ट हो जाता, तो मैं एक सिंगल सोर्स नहीं चला सकता इधर से। अब मैंने कहा अच्छा भाई कहाँ आउटपुट से दूर जाओगे, दूसरा टर्मिनल क्या है मेरे पास, ये है। तो अब ये इस टर्मिनल पे मैंने कहा अच्छा चलो मैं एक कॉमन सोर्स लगाता हूँ और इन दो सोर्सेस को हटाकर मैं वापस रजिस्टर पर आ जाता हूँ, जो कि जिससे मैं भागा इसलिए था कि यार मेरा बायस पॉइंट चेंज होता रहता है। अब मैं वापस रजिस्टर पर क्यों आने के काबिल हो गया हूँ वो अब मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, प्रूव भी करता हूँ। बिकॉज राइट नाउ माई बायस पॉइंट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस गाय, सही है। अब बायस पॉइंट हम जरा देखते हैं अंडर नॉर्मल स्टेबल कंडीशंस, लेकिन उसको जरा ना थोड़ा इसको करते हैं थोड़ी सी तमीज से एनालिसिस। सो आपकी बुक में जिस तरीके से हुआ है मैं थोड़ा सा उसी फ्लो को लेकर चलता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दे डू इज लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है भाई? आप रफली ये बात करते हैं भाई मेरी गाड़ी जो है वो 160 माइल्स पर आवर जा सकती है, ठीक है चलें। एक नंबर बताया आपने लेकिन आपने ये नहीं बताया कितनी देर में किस फ्यूल पे किस कितना इंजन गर्म होता है। So we are just talking about कि हाँ qualitative के क्या मतलब what are the KPIs for example के हाँ भाई एक होता है कि आप performance related dynamics aesthetic performance तो वो सारे KPIs जब आप compare करते हैं। So we wouldn't really go for in depth mathematical analysis etc etc, we would go for very superficial analysis और उसकी basis पे हम कहेंगे अच्छा अच्छा इधर ये होगा अच्छा अच्छा इधर ये होगा, सही है। तो थोड़ा बहुत हम जरा उस अच्छा अच्छा करते हुए बिहेवियर को समझ के फिर हम आगे जरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे हम हाथ डालेंगे, सही है। तो अब पहला काम हम ये करने जा रहे हैं कि हम एक प्लॉट बनाएंगे, हम ये कहेंगे यार ये दिस ऑन एक्स एक्सिस आई हैव वी इन वन माइनस वी इन टू, सही है। दिस इज जीरो है तो जब डिफरेंशियल सिग्नल क्या है भाई आपका डिफरेंशियल सिग्नल ऐसे है वी वन कभी ऊपर होता है, सो दिस इज वी वन, वी वन कह देता हूँ इसको, सही है डब्बा लिखना पड़ा है। एंड दिस इज योर वी इन टू, तो ऐसा नहीं है कि एक हर वक्त नेगेटिव है एक हर वक्त पॉजिटिव है, तो इस साइकिल के दौरान क्या है कि वी वन इज लार्जर देन वी टू, तो यू आर इन दिस रीजन, ये जो सारा रीजन है सही है ये वाला, व्हेन वी टू इज लार्जर देन वी वन यू आर इन दिस रीजन, सही है ये जीरो के इस तरफ आ गया। अब हमने देखना है कि भाई होगा क्या, सो लेट्स टॉक अबाउट सॉरी राइट हैंड साइड ऑफ द प्लॉट। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में आपका वी इन वन बड़ा है और वी इन टू छोटा है। जब एनमॉस का गेट वोल्टेज बढ़ता है तो इसका ओवरड्राइव बढ़ता है या कम होता है? बढ़ेगा ओवरड्राइव, क्योंकि VGS ओवरड्राइव बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, बिल्कुल सर बढ़ेगा। ओवरड्राइव बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, तो ये कहेगा नॉर्मल हालात में क्या हो रहा था कि यहाँ से दोनों बैलेंस हालत में बैठे रहते, यहाँ से भी आधा करंट फ्लो करता था यहाँ से भी आधा करंट फ्लो करता था, अब आपने इसको बड़ा कर दिया। अच्छा नॉर्मल हालात क्या थे, नॉर्मल हालात ये थे कि इधर भी कॉमन मोड आया हुआ था नो एसी, इधर भी कॉमन मोड आया हुआ था नो एसी, यानी कि दोनों एक आपके किधर बैठे हुए थे दोनों इनपुट्स इस कॉमन मोड पे इधर बैठे हुए थे, ना कोई ऊपर गया था ना कोई नीचे गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये साहब चले गए ऊपर ये साहब चले गए नीचे, सही है। फिर इसने कहा भाई मुझे तो करंट ज्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँ, सही है। इधर इसने कहा कि अच्छा मैं तो नीचे चला गया हूँ अब मेरा तो करंट कम होगा, वन ने कहा करंट ज्यादा चाहिए टू ने कहा करंट कम चाहिए, सही है। तो लेट मी सी ये प्लॉट अंदर वी आर प्लॉटिंग, सो
सो जिस वक्त वी इन वन और वी इन टू बराबर थे, यानी के कहां थे बराबर, कॉमन मोड पे बैठे हुए थे, इधर कॉमन मोड पे उस वक्त आपका दोनों ब्रांचेस से करंट फ्लो करता था ISS by 2, सही है? तो यानी के V out 1 और V out 2 बराबर थे VDD minus ISS by 2 into RD. अच्छा RD क्या है भाई, RD है RD 1 is equal to RD 2 is equal to RD, सही है? तो ये जो हमने RD1 और RD2 लगाए हैं, ये दोनों सेम है एंड दे आर इक्वल टू RD, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ का वोल्टेज निकालूं तो मुझे करंट पता है यहाँ से, अभी इस ब्रांच से क्या फ्लो कर रहा है, दैट इज दिस ISS by 2, मैंने कहा भाई ये वोल्टेज बराबर है VDD minus ISS by 2 into RD, सही है? तो दोनों कहाँ बैठे हुए थे, एक वोल्टेज पे बैठे हुए थे विच वॉज दिस, इस पॉइंट पे बैठे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब जब मैं इधर राइट साइड पे जाना शुरू हुआ हूँ आपके किस तरफ, इस तरफ, सही है? तो V in V out 1 गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ करंट बढ़ रहा है, और V out 2 ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर करंट कम हो रहा है, सही है? तो V out 1 जो है कम हो रहा है क्योंकि करंट ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा है, इसका ओवरड्राइव बढ़ा है 1 का, वो कह रहा है करंट ज्यादा दो, तो अब यहाँ से ड्रॉप जो है ज्यादा मिल रहा है इस रेजिस्टर से, और यहाँ पर वी आउट वन कम हो रहा है। अगर मैं वी आउट बनाऊं, ये सब नीचे आ रहे हैं, वी आउट वन बनाऊं, सॉरी नीचे आ रहे हैं, वी आउट टू बनाऊं, कलर चेंज कर देता हूँ, वी आउट टू बनाऊं, वो सब ऊपर जा रहे हैं, वी आउट वन साहब जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, और ये एक जगह आके इवेंचुअली टिक गए हैं, और ये साहब थोड़े से ऊपर जाके इवेंचुअली ये भी एक जगह टिक गए हैं, सही है? तो पहला सवाल तो ये है कि ये फाइनली टिक क्यों गए हैं और किस वैल्यू पे टिक गए हैं? देखो इसमें जो रेड वाला है ना, ये है वी आउट टू, ये जो ब्लू वाला है देयर इज वी आउट वन, सही है? तो थोड़ी देर तक तो ये चेंज होते रहे, वी इन जब हम इसको लेकर इस तरफ राइट साइड पर जाते रहे, इस तरफ जाते रहे, उसके बाद इवेंचुअली वो एक जगह जाके टिक गए। सो वो क्यों टिक गए हैं, वो जगह क्या है और उधर इनकी वैल्यू क्या है? अच्छा ये चेंज क्यों हो रहे थे? करंट ओवरड्राइव की वजह से चेंज हो रहा था, और ओवरड्राइव हम VDS से ज्यादा नहीं कर सकते सैचुरेशन रीजन में रहने के लिए, तो ये भी ओवरड्राइव पे जाके रुक जाएंगे। अच्छा चलें, वो तो थोड़ी दूर की रीजन है, उससे पहले एक और भी काम होना है। चेंज इसलिए हो रहे थे कि हम एक चीज इसको कहते हैं, जो बिहेवियर इस वक्त हो रहा है इसको हम कहते हैं करंट स्टीयरिंग। गाड़ी कितने लोगों ने चलाई है, स्टीयरिंग क्या चीज होती है, स्टीयर किया इस तरफ, स्टीयर किया इस तरफ, मोड़ा उधर मोड़ा वाला काम, करंट स्टीयरिंग कैसे हो रही है? ये ऊपर चला गए हैं हजरत, ये हजरत नीचे आ गए हैं, V into, तो इस तरफ करंट ज्यादा स्टीयर हो गया, वन की तरफ, टू की तरफ करंट कम स्टीयर हुआ, सही है? सो दिस करंट स्टीयरिंग कैन गो ऑन फॉर हाउ लॉन्ग? भाई तुम गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ते हो ना, एक जगह जाके रुक जाता है ना, ऐसा तो नहीं होता ना गाड़ी 180 डिग्री पे मुड़ के जो है वो मतलब चली आए, एक लिमिट पे जाके स्टीयरिंग खत्म हो जाती है, सही है? इधर वो लिमिट क्या है? देखो करंट स्टीयरिंग है ना, तो करंट ही लिमिट होगी कहीं, सर ISS है मतलब एक साइड पे सारा ISS फ्लो कर रहा है, दूसरी साइड पे वो जीरो हो जाए। एग्जैक्टली, सो दिस इज द इशू के आप ज्यादा से ज्यादा वन को कितना करंट दे सकते हैं, टू में जितना फ्लो कर रहा है सारा का सारा उठा के आप वन को दे सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो करंट इस सर्किट में है ही, क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज द गाय हु लिमिटेड द करंट, ISS ने एक करंट डिफाइन किया है, इससे ज्यादा करंट इसमें सर्किट में फ्लो ही नहीं कर सकता। तो दोनों में आधा आधा फ्लो कर रहा था, वन डिवाइस वन फैल गई, उसने कहा भाई मुझे ज्यादा करंट चाहिए, डिवाइस टू मजबूर हो गई, उसका भी इनकम हो गया था, उसने अच्छा कम करंट,
ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आप पूरा का पूरा करंट एक तरफ भेज दें, सही है, और कम से कम क्या हो सकता है कि आप पूरा का पूरा करंट उधर से हटा लें। तो जब वी आउट टू से फर्ज करो वी आउट टू पर चला गया ना, इसका मतलब है आपने इससे पूरा का पूरा करंट खींच लिया है। तो जब पूरा का पूरा करंट खींच लिया इसका क्या मतलब है, ये साहब हो गए बंद, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा इधर ये साहब हो गए बंद। अब वी आउट टू किसके बराबर है, यार जब रजिस्टर गेट ड्रॉप नहीं है तो वी आउट टू बराबर हो गया वीडीडी के, सही है, और वी आउट वन किसके बराबर है, अब पूरा का पूरा करंट उधर से फ्लो कर रहा है, सो दिस इज वीडीडी माइनस आई एस एस आर डी, बस इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते आप, और ऊपर तो खैर वीडीडी से वैसे ही ऊपर नहीं जा सकते थे। अब दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में बस इसका उल्टा होगा कि आप V out 2 जो है वो नीचे जाएगा V out 1 की तरह जैसे उधर गया था, और V out 1 जो है वो V out 2 की तरह ऊपर जाएगा जैसे उधर गया था, एंड सेम वैल्यूज, सही है, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल सर्किट। तो हमने पहले तो ये देखा कि अच्छा देयर इज अ करंट स्टीयरिंग गोइंग ऑन, ऐसे 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 टेढ़ा करूंगा, सो देन दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन टू माई वोल्टेज लेवल्स, सही। अच्छा ये तो हो गया आपका थोड़ा सा कौन सा बिहेवियर, सो दिस इज डिफरेंशियल बिहेवियर, सही है। अब लेट अस लुक इनटू कॉमन मोड बिहेवियर, मतलब अगेन क्वालिटेटिवली देखो, हमने भी बहुत बड़ी डेरिवेशन वेरिएशन इक्वेशन ये वो जो है ट्रांजिस्टर की करंट की इक्वेशन वगैरह अभी हमने बीच में नहीं घुसाई, सिंपल सिंपल एनालिसिस करिए। कॉमन मोड बिहेवियर क्वालिटेटिवली, अच्छा इस नोड को लेट मी कॉल दिस वी पी, अब मैं क्या करता हूँ कि आई वुड ड्रॉ दिस, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं वी इनपुट कॉमन मोड को ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, एक टाइम आता है जब थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है और आगे चलते चले जाता है, सही है। सो व्हाट हैपेंस टू लेट्स से पॉइंट वी पी, अभी अजीब सी बात है एकदम हम एक नई नोड को उठा के ले आए, अच्छा इस पे मतलब तुम लोगों ने याद रखना है कि डिफरेंशियल मैंने यहाँ वीपी को क्या होता है, डिफरेंशियल में भी हमने जवाब देना है, लेकिन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड के कॉमन मोड में क्या हो रहा है फिर हम देखते हैं, सही है भाई। तो कॉमन मोड का क्या मतलब है कि अभी हम डिफरेंशियल सिग्नल नहीं दे रहे, हम ये जो होता था ना कि एक ऊपर एक नीचे, हम ना ऊपर ले जा रहे हैं ना नीचे ले जा रहे हैं, हम बस ये सिंपल एक कॉमन मोड डीसी यहाँ पे भी वही दिया है और यहाँ पे भी वही दिया है, अच्छा इन दोनों को इकट्ठा मिला के ऊपर ले जा रहे हैं, दोनों को इकट्ठा मिला के, ऐसा नहीं है कि एक को ऊपर एक को नीचे, दोनों को कॉमन मोड को ऊपर ले जा रहे हैं, कहाँ से जीरो से ऊपर लेके गए, थ्रेशोल्ड क्रॉस किया और फिर मजीद ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि इस प्लॉट में मैंने तुम्हें दिखाया कि अभी हम यार ये अटक क्यों रहा है आज, इस प्लॉट के अंदर हम बनाने की कोशिश करें। सो जब तक ये कॉमन मोड वोल्टेज जो कि गेट वोल्टेज है थ्रेशोल्ड से कम है, क्या ख्याल है डिवाइस 102 ऑन है ऑफ है, तो जब तक एक एनमॉस का किस तरीके से ऑन नहीं हो सकता सर, वो वीजीएस बिल्कुल थ्रेशोल्ड से कम हो तो डिवाइस बंद होती है। अब उस पे मसला ये कि वेयर इज वीपी, सवाल ये वीपी साहब कहाँ है, वीपी फॉर सिंपलिसिटी राइट नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये साहब ग्राउंड पर है, सही है, अगर ये ग्राउंड पर है तो लेट्स जस्ट से कि जब तक के
वी इन वन और वी इन टू थ्रेशोल्ड को क्रॉसिंग करते, वन और टू तो खुलने वाले नहीं है. अब जब तक खुलने वाले नहीं है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सर्किट का यहाँ से यहाँ तक, ये वीडीडी से तो अलग कटा पड़ा है, ये दोनों तो बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है. सवाल ही नहीं है कि वो कहीं उठ के ऊपर जाए, वीडीडी ही पुल करता है ना. जब आप चार्ज पंप ही नहीं कर सकते तो वो तो खाली नीचे ग्राउंड से कनेक्टेड है, बस सीधी सी बात है, वो ग्राउंड पे बैठा होगा. सो व्हाट वी कैन जस्ट सिंपली अज्यूम, इसके यहाँ तक तो वीपी साहब आ रहे हैं, बड़े सुकून से जीरो ही हैं. असल मसला खड़ा होता है जब आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए, कर गए थ्रेशोल्ड भाई क्रॉस. अब क्योंकि दोनों को इकट्ठा मूव कर रहे हैं, कॉमन मोड को चेंज कर रहे हैं, इसको भी ऊपर ले जा रहे हैं, इसको भी ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये भी खुल गए, ये भी खुल गए. अब वीपी क्या करेगा? क्या ख्याल है? अब यहां से मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों की याददाश्त वापस नहीं आएगी, जरा एक चीज मैं बनाऊंगा तो उससे याददाश्त वापस आ जाएगी, शायद उससे भी ना आए. खैर आप मतलब बड़े लोग हैं. जरा इधर वैल्यू बताना, ये क्या है, इधर क्या वैल्यू होती है. क्या बना हुआ, क्या है ये, वैसे कोई नाम शाम होता है इसका जो बना हुआ. कॉमन ड्रेन, कॉमन ड्रेन बना हुआ है, सही है, गुड. कॉमन ड्रेन का दूसरा मशहूर नाम क्या होता है? सोर्स फॉलोअर. सोर्स फॉलोअर, सही है. तो क्या होती है भाई कॉमन ड्रेन की आउटपुट की वैल्यू? V in minus V threshold minus under root of IB by KN. So this is equal to V common mode minus threshold and then minus square root 2 ID over KN. Right. अभी current, क्योंकि अभी तो बेचारी devices खुली हैं, so what we can say कि यार बिल्कुल ही करंट जो है ना कम है, so maybe we can assume के ये वाला factor बहुत कम है, and we can assume के output जो है is just equal to this. So जरा अब गौर से देखो इस हिस्से को, कॉमन मोड इनपुट आउटपुट लुकिंग एट बीपी एट द सोर्स ऑफ एनमॉस बायस्ड बाय अ करंट सोर्स एट द सोर्स. ऊपर को भी छोड़ोगे, ऊपर क्या हो रहा है, यहां से ऊपर अभी देखना बंद कर लो. सो दिस इज नथिंग बट अ सोर्स फॉलोअर फॉर दिस नोड, सही है. तो बीपी साहब क्या करेंगे, वीपी साहब जो हैं वो भी इन कॉमन मोड को फॉलो करेंगे विद अ ड्रॉप ऑफ थ्रेशोल्ड, सही है. तो ऐसे ही कर रहे हैं, वी इन थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया है, ये साहब अभी जीरो पर ही हैं, और ये जैसे जैसे थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है तो ये उसको फॉलो कर रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ गिव्स अस रफ आइडिया कि वीपी जो है वो जैसे जैसे आप कॉमन मोड को बढ़ाएंगे वीपी ऊपर आएगा. क्या खतरा नजर आ रहा है इस बिहेवियर में, कोई खतरा है? या हम कॉमन मोड कहीं पर भी रख सकते हैं इस सर्किट का, हमें नजर आ रहा है कि भाई ये तो खुला खाता है, या हमें ऑल ऑफ अ सडन इस बिहेवियर की वजह से कुछ खतरा हो गया? डिवाइस वन और डिवाइस टू को किस मोड में रखना है? Saturation. में सही है. Saturation के लिए क्या चाहिए होती है भाई condition? VDS greater than V overdrive. हाँ, तो VDS greater than V overdrive कब होगा? जब कोई बड़ी वैल्यू होगी VDS की, जाहिर है तभी greater than होगा. छोटा मोटा होगा फिर तो नहीं होने वाला, सही है. तो जब आप कॉमन मोड को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट कहाँ जा रही है? आउटपुट तो कहीं नहीं जा रही. आउटपुट वी आउट वन इज इक्वल टू वी आउट टू इज इक्वल टू वी डी
माइनस आई एस एस बाई टू पे बैठी हुई है, सही है। तो आउटपुट जो है यानी कि ड्रेन वन का, ट्रांजिस्टर वन का ड्रेन, ट्रांजिस्टर टू का ड्रेन, दोनों फिक्स हुए एक जगह बैठे हैं। इन दोनों की सोर्स उठ के ऊपर आ रही है। सोर्स कहाँ है? सोर्स इज वीपी विच इज दिस। ये उठकर ऊपर आ रही है अलोंग विद कॉमन मोड वोल्टेज। है ना, ये जैसे जैसे हम कॉमन मोड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वीपी साहब ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया। अब क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट ट्रांजिस्टर वन का और ट्रांजिस्टर टू का वीडीएस कम होता चला जा रहा है, सही है। जैसे जैसे वो कम हो रहा है, सो टू कीप वन एंड टू इन सैचुरेशन, व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज वीडीएस वन एंड वीडीएस टू हैज टू बी ग्रेटर देन वी ओवरड्राइव, देयर रिस्पेक्टिव ओवरड्राइव, सही है। सो एक आप आग बंद करके हमें क्वालिटेटिव बिहेवियर नजर आ रहा है। अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि हमने कहाँ रोकना है, ये नहीं पता। क्वालिटेटिवली हमें बिहेवियरल एनालिसिस करके ये नजर आ रहा है कि यार बढ़ाऊंगा तो बीपी ऊपर जाएगा, वी आउट वहीं टिका हुआ है। सो देयर इज अ चांस कि आफ्टर सम टाइम ये जो हजरत हैं ये दोनों वन और टू आंख बंद करके, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि मैं और ऑन कर रहा हूँ, और ऑन कर रहा हूँ डिवाइसेस को, तो ये सैचुरेशन से ही बाहर हो जाए और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है एम्पलीफायर ना रहे, क्योंकि एम्पलीफायर वो इस वजह से कि डिवाइस वन और टू आपको सैचुरेशन में ट्रांसकंडक्टेंस देती है, सही है। एक बिहेवियर हमें ये नजर आ गया क्वालिटेटिव, राइट। ओके सो ओके, अब थोड़ा सा हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी। तुम लोग अभी 5 बज रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर दोबारा से बैठते हैं, सही है। 5:10 पर आ जाना वापस, ठीक है बिलाल जी? सही जी जी, 5:10 पे बैठते हैं, 5:10 पे, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। So let's start quantitative analysis. इसके अंदर हम थोड़ी सी इक्वेशंस वगैरह लगाएंगे और उसकी बेसिस पर अभी जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस करी है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सही, तो अब अगर मैं v in 1 माइनस v in 2 लिखूं, इसको इस तरीके से लिखूं, फॉर एग्जांपल के v गेट 1 माइनस v गेट सोर्स 1 माइनस v गेट सोर्स 2, तो क्या आप मतलब एग्री करेंगे? क्योंकि सोर्स जो है इज अ कॉमन टर्मिनल हियर, सही है, फॉर बोथ ऑफ देम। तो अगर मैं v गेट जो के वी इन वन के बराबर है, वी इन वन माइनस वी इन टू करता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू वी गेट वन माइनस वी गेट टू। अच्छा, दोनों में सोर्स कॉमन है, सो आई कैन इंक्लूड द सोर्स टर्मिनल इन बोथ द वोल्टेजेस, सही है। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया कि ये बराबर है, वी गेट तो बराबर है डायरेक्टली वी इन वन के, सोर्स क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में इंक्लूड करके कॉमन टर्मिनल के तौर पर उसको मैं लिखकर आगे चल रहा हूँ। तो आई होप यू वुड एग्री, इस पर खास एतराज किसी को नहीं होगा, राइट। अच्छा, एक ट्रांजिस्टर जो कि सैचुरेशन में होता है उसकी आपको आईडी पता है कि इट्स म्यू एन सी ऑक्स बाई टू डब्ल्यू बाई एल एंड देन वी जी एस माइनस वी डी एच होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, देन वी जी एस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू टू आई डी ओवर म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल का स्क्वायर रूट प्लस वी टी एच, सही है। तो ये इस तरीके से, सो इफ आई डू दिस दैट आई रिप्लेस दिस वी जी एस इन दिस इक्वेशन,
v in 1 minus v in 2 किस चीज के बराबर होगा? बराबर होगा 2 id 1 over mu n c ox w by l of 1 square root minus 2 id 2 over mu n c ox w by l of 2 square root. अच्छा VTH क्या हो गया? दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो सेम है, सही है? तो दोनों का जो VTH है 1 का और 2 का वो भी सेम है, सही है? तो इस वजह से जब वो दोनों सब्ट्रैक्ट होते तो कैंसिल हो जाते और आपके पास ही स्क्वायर रूट टर्म ही बचनी थी, सही है? तो VTH को मैंने मतलब एक स्टेप स्किप किया, VTH उसमें कैंसिल हो जाना था, सही है? सो अब अगर मैं अज्यूम करूं, सो दिस इज माय इक्वेशन जो कि नॉर्मली मतलब काम आएगी इसकी मतलब जब हम बेस करते हैं सर्किट्स वगैरह बनाए करेंगे. लेट मी अज्यूम द वर्स्ट केस के द मैक्सिमम वी इन दैट आई कैन क्रिएट. मैक्सिमम वी इन क्या है भाई? कि मैंने पूरा का पूरा करंट दे दिया एक साहब को, क्या कर दिया? आईडी वन को पूरा करंट दे दिया, अरे सॉरी दिस वाज आईडी टू को मैंने जीरो कर दिया, सही है? सो आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि मैं वी इन वन वी इन टू को कितना चेंज कर सकता हूँ. तो मैं आपको ये वाला कर्व याद दिलाता हूँ. बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्वांटिफाई दिस कर्व. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये पॉइंट क्या है जिधर v in 1 माइनस v in 2 इतना हो जाता है कि एक तरफ पूरा करंट जीरो हो जाता है, इस तरफ करंट जीरो हो गया और पूरा का पूरा करंट उठकर इस तरफ आ जाता है. सो व्हाट इज दिस वैल्यू के जो के मैं कर सकता हूँ? उसके बाद आप देख रहे हैं आप v in 1 v in 2 को आप कितना भी चेंज करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता आउटपुट में. सो आपकी आउटपुट सैचुरेट हो चुकी है, सही है? सो आई जस्ट वांट टू नो कि ये पॉइंट आई एम ट्राइंग टू क्वांटिफाई दैट, सही है? वो बिहेवियरली तो मैंने देख लिया था, क्वालिटेटिवली तो देख लिया था, अब आई एम ट्राइंग टू क्वांटिफाई दैट. फाइन. सो लेट मी कॉल दिस वी इन मैक्स, डेल्टा वी इन मैक्स लिखकर मैं आई डी टू को जब जीरो करता हूँ तो दिस टर्म गोज अवे. इस टर्म में क्या आ जाता है भाई? पूरा का पूरा आई एस एस आ जाता है, टू आई एस एस म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाय एल. अच्छा मैंने अब 1 2 भी लिखना बंद कर दिया डब्ल्यू बाय एल में, क्योंकि दोनों डिवाइसेस एक जैसी ही हैं, सही है? सो व्हाट डस दिस सिग्निफाई? ये इक्वेशन से कुछ, दिस इज द इक्वेशन दैट एक्चुअली डिफाइंस योर करंट स्टीयरिंग कैपेबिलिटी, सही है? तो व्हाट Is it signifying? कुछ समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये भाई आप एक हद से ज्यादा डेल्टा वी इन देंगे तो कोई फायदा नहीं है, सारा का सारा करंट दूसरी तरफ जा चुका होगा. आप करते रहे वी इन को चेंज, वो आउटपुट तो आपके एम्पलीफायर का, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सैचुरेट हो चुका. तो अब वो मैक्सिमम कितना है? वो वी इन वो इतना है कि आपके करंट पे डिपेंड कर रहा है, द बायस करंट and then the kn of the devices. So does it make sense? मतलब क्या मेरी समझ में इस equation की physical interpretation समझ में नहीं आ रही? क्या ख्याल है? कुछ तो ख्याल जाहिर करो यार. आवाज आ भी रही है बिलाल? आवाज आ रही है तुम लोग? आवाज आपकी सर आ रही है, क्लियर आ रही है. हाँ सही. करंट स्टीयरिंग इस चीज पे डिपेंड करी है कितना करंट स्टीयर करना है. और नीचे एक अजीब सी टर्म है जो मुझे समझ नहीं आ रही, जिसको मैं खैर के एन कहता आया हूँ लेकिन मुझे आ नहीं रही अभी समझ में ये के एन करंट स्टीयरिंग मतलब समझ नहीं आई.
केन केन का नाम क्या होता है? ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर. ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर. ट्रांसकंडक्टेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसकंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब मैं उसको एक सर्टेन VDS दे रहा हूं तो मेरे पास ID में कितना चेंज आ रहा है, VGS दे रहा हूं तो ID में कितना चेंज आ रहा है आउटपुट पे. सही. तो ये इक्वेशन कह रही है अगर आपका ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर ज्यादा है तो आपकी जो मैक्सिमम इनपुट रेंज है जिसमें के आपका एम्पलीफायर सैचुरेट हो जाएगा और पूरा करंट एक तरफ स्टेयर हो जाएगा वो कम है. यही कह रहा है ना? इनवर्स बिल्कुल यही कह रहा है. सही है. वो यही कह रहा है कि अगर ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर हाई है तो ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर किस वजह से हाई है भाई? प्रोसेस तो फिक्स है. प्रोसेस कौन सा फिक्स है? म्यू एन सी ऑक्स तो फिक्स है. डब्ल्यू बाय एल आपने ज़्यादा रखी है. अब डब्ल्यू बाय एल से आपका जो के एन है हाई हो गया. तो ये कह रहा है कि यार अगर आपका ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर बहुत हाई है, यानी कि अगर आप VGS चेंज करते हैं वो बहुत सारा ID चेंज हो जाता है. जाहिर है जरा सी इनपुट पे बहुत सारा ID चेंज हो जाएगा और वो सारा का सारा जरा सी इनपुट चेंज करने पे एक तरफ चला जाएगा. तो चलो ऑल ऑफ अ सडन दैट काइंड ऑफ मेक सेंस टू मी. अच्छा चलो यार ये नीचे ये ऐसी अजीब सी चीज है. ऊपर ISS आया हुआ है, इसकी भी सेंस बन रही है. भाई जितना करंट जितना ज्यादा करंट स्टेयर करना है उतना ज्यादा डेल्टा वी चाहिए होगा. जाहिर है जितना ज्यादा करंट है जो कि स्टेयर होना है उतना ज्यादा डेल्टा वी चाहिए. जितना ज्यादा ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर है उतना कम डेल्टा वी चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ दिस इक्वेशन काइंड ऑफ मेक सेंस हमारे बिहेवियर से भी टैली कर रही है. तो ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहा होता कि ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर ज्यादा होगा तो बेटा और टाइम लगेगा, बैठे रहो करते रहो डेल्टा वी चेंज. सही है. सो नाउ यू नो कि ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर को उठकर आप बस कोई भी कॉमन मोड दे दें. वो हमने आपने यहाँ देख लिया, कोई भी कॉमन मोड नहीं दिया जा सकता. कोई भी आप इनपुट का डिफरेंस दिए जाएं और आप अपने एम्पलीफायर से ये एक्सपेक्ट करें कि भाई तू आउटपुट चेंज करता रहे, मैं तेरा क्या जा रहा है. वो आपको ये नजर आ गया कि देयर इज एन इनपुट रेंज, जिस इनपुट रेंज के अंदर अंदर आपका एम्पलीफायर चलता है, अदरवाइज देन इट गेट्स सैचुरेटेड. तो इफ यू वांट एन एक्सटेंडेड रेंज, अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्पलीफायर जो है वो ज्यादा इनपुट रेंज के लिए चले, तो आपको क्या करना होगा? या तो ISS को बढ़ाना होगा या आपको ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर को कम करना होगा बाय रिड्यूसिंग W बाय L. सही है. सो नाउ यू सी ये दो चीजें हैं. तो इससे अब हम एक अगेन मतलब हमने डेरिवेशन को अवॉइड करें, लेकिन वी वुड लाइक टू ड्रॉ अनदर प्लॉट. इधर हम कहते हैं प्लस डेल्टा वी इन मैक्स. अच्छा ये दोनों तरफ जाती है. इधर एक तरफ बढ़ाओगे वी इन वन को बढ़ाओगे तो प्लस में चली जाएगी, वी इन टू को बढ़ाओगे वी इन वन को कम करोगे तो माइनस में आ जाएगी. तो would like to plot the overall transconductance of the circuit. Abhi hum, we are not interested in the equation. Again, we would just like to see its behavior. Transconductance kya hai? Current steering capability. VGS change karte ho, input change karte ho, current change hota hai. Jis waqt aap center pe baithe na, maximum, idhar bhi ja sakte hai, idhar bhi ja sakte hai. Jaise aap ek taraf maximum ki taraf ja rahe hai, aapka jo hai, ट्रांसकंडक्टेंस मतलब जो है वो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, वो करंट स्टेयरिंग कैपेबिलिटी जो है वो जीरो हो रही है और फाइनली इसके बाद इस पॉइंट के बाद जीरो हो जाती है. क्योंकि यहाँ जब आप पहुँच गए, अब आप बढ़ाते रहें इस तरफ जाते रहें, यहाँ दिस इज अगेन वीन वन माइनस वीन टू है एक्सेस पर ना. तो आप जाते रहें इधर या इस तरफ जाते रहें, सारा का सारा करंट एक तरफ जा चुका है. अब आप सर्किट की करंट स्टेयरिंग कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है. सो आपने जो भी करंट स्टेयरिंग करनी थी और सर्किट ने जो भी सेंसिटिव आपको आउटपुट मतलब इनपुट पे कोई आउटपुट देना था वो इस रेंज के अंदर ही था. सही है. एक मिनट से क्या हो गया.
ओके चलो ये तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। सही, सो हमने थोड़ा सा इसका ओवरऑल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बिहेवियर देखा फ्रॉम अ लार्ज सिग्नल परस्पेक्टिव, जिसमें हमने देखा अच्छा भाई यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, क्या करेगा ये। अब हम इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं। स्मॉल सिग्नल मॉडल आपको पता है हम किस लिए बनाते हैं, हम इसका स्मॉल सिग्नल गेन निकालेंगे, आर इन निकालेंगे, आर आउट निकालेंगे। सही है, तो अब मैं आपके सामने ये सर्किट दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। अच्छा मैंने तुम लोगों को कहा था एक सवाल याद दिलाना, वो तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। याद आ रहा है क्या सवाल था? तो अब क्योंकि तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया और हम यहाँ आ गए स्मॉल सिग्नल पर, तो अब उसका जवाब तुम लोग दोगे और उसके में दो दो तो चलो कम मार्क्स हैं, ज्यादा मार्क्स रख लेता हूँ। जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसके 4 मार्क्स एक्स्ट्रा किसी भी चीज में। अगेन v इन 1 माइनस v इन 2 एंड v आउट 1 एंड देन v आउट 2 rd ISS डिवाइस 1 डिवाइस 2। अब इसका स्मॉल सिग्नल बनवाओ। जब आप इसका स्मॉल सिग्नल बनाने खड़े होंगे तो जाहिर है एक ये सर्किट है, यहाँ से ये यहाँ तक ये सारा कुछ, इसको आप कह देंगे भाई दिस इज इक्विवेलेंट टू एन आर नॉट, इसका आप स्मॉल सिग्नल बनाएंगे, फिर आर डी कनेक्ट करेंगे, फिर आप इसका बनाएंगे, फिर आप करेंगे, फिर एक जगह आप इनपुट देंगे पॉजिटिव, फिर एक जगह देंगे आप नेगेटिव। अभी ये इसको सॉल्व करना तो हमें अभी मतलब ये जो कोर्स तुम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स बेस्ड, ये उस कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोर्स और डिफरेंशियल एम्पलीफायर पीछे रह जाएगा, मैथमेटिक्स आगे आ जाएगी। क्या करें, ये कर चुके हो गए वैसे तुम लोग अंडरग्रेड में, लेकिन हमारा मसला यही कि अरे नहीं किया होता उस तरीके से और फिर भूल भी जाते हैं। तो कोई आइडिया है क्या करते थे डिफरेंशियल एम्पलीफायर? उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा ये, क्या करूं बताओ। सो चलो ये मैं हिंट दे देता हूँ कि वी हैव टू ड्रॉ समथिंग दैट इज नोन एज हाफ सर्किट। तो हाफ सर्किट में सारे लोग कहते हैं यार देखो एक तरफ प्लस पे इनपुट जा रही है उतनी ही यहाँ पर, एक तरफ यहाँ पे माइनस में जा रही, भाई साइन ही का फर्क है ना, कर तो वही रहा ना, तो इसको हाफ सर्किट में तोड़ लो, उसके बाद आधे इनपुट पर देख लो यार वो क्या करता है, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सही है, तो ओवरऑल गेन इसका 2 है, बस आधा आधे हिस्से को देख लो कितना गेन है। आपने कहा अच्छा यार आइडिया तो सही है, चलो मैं बनाता हूँ। तो आपने आर डी बनाया, आपने ये बनाया और आपने कहा कि अच्छा चलो यार आधे करंट की बात हो रही है, सॉरी एस एस बाय 2 ब्ला ब्ला VD, RD, V out 1, V in 1। सही है, तो आपने हरी डिवाइस 1 वाला हाफ सर्किट बना लिया। सो देयर इज अनदर सिंप्लीफिकेशन दैट वी कैन डू इन दिस। वो सिंप्लीफिकेशन पीछे याद दिलाते तो एक जवाब मैं खुद ही देता, तुम लोग बताओ वो एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन क्या है जो अब मजीद करी जा सकती है। करंट सोर्स ओपन हो जाएगी, करंट सोर्स ओपन हो जाएगी, क्यों भाई? एसी सिग्नल हम देंगे तो क्यों? जो सोर्स ग्राउंडेड है उसकी वजह से हमारा जो करंट जीएम वीजीएस होता है वहां पर भी वीजीएस हमारा जीरो हो जाएगा, तो करंट सोर्स ओपन होगी। मेरी तो नहीं आई समझ में, दोबारा ट्राई करें जरा। दोबारा से एक्सप्लेन करें एंड यूजिंग डिफरेंट
जब हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं तो उस वक्त डीसी करंट सोर्स ओपन हो जाएगी ना भाई. हाँ ओपन हो जाएगी इफ इट्स एन आइडियल करंट सोर्स. चले मैं आपको कहता हूँ कि दिस गाय हैज चैनल मॉड्यूलेशन सो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो. आइडियल ओपन सर्किट होती है ना, वरना डीसी करंट सोर्स किस चीज में कन्वर्ट होती है भाई? पिछले बार देखा तो था यार, आर नॉट में भूल गए. अभी अभी मैंने यहाँ बनाया है. जी जी सर, वो अगर आइडियल नहीं होगी तो फिर कन्वर्ट हो जाएगी. मिस अक्सा किसी बेसिस पे कह रही हैं कि करंट सोर्स गायब हो जाएगी, लेकिन रीजन गलत है. नहीं चाहिए किसी को 3 मार्क्स. सर रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको, आर नॉट रेजिस्टर. मतलब वो सिंपलीफिकेशन तो नहीं हुई, वो तो जाहिर है उसका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट है, उससे रिप्लेस तो हम कर ही लेते हैं. डेरिवेशन की थी हमने r not is equal to 1 by lambda id, so हाँ r not तो मैं रख सकता हूँ इसको, लेकिन I'm just hoping के थोड़ा सा मामला और सिंपलीफाई हो जाए. अरे चलो इस सर्किट को देखो जरा, ये ग्राउंड के साथ है. ये नोड जो है इसको क्या कहा था हमने, VP कहा था ना. ये नोड यहाँ से यहाँ सोर्स फॉलोअर, यहाँ से यहाँ सोर्स फॉलोअर, सही है. ये साहब इसको कह रहे ऊपर जा, ये साहब कह रहे नीचे जा. भाई कहाँ जाएगी? क्या ख्याल है कॉमन मोड में क्या किया करती थी ये नोड? सोर्स को फॉलो करती थी कॉमन मोड में, ये किया करती थी. कॉमन मोड जब दोनों इनपुट ऊपर जाती थी तो ये भी उनके साथ मिलकर बड़े शौक से ऊपर जाती थी, सही है. बट दैट वाज कॉमन मोड बिहेवियर. यहाँ क्या करेगी है? एक कह रहा है ऊपर जाओ, वो भी उतना ही पावरफुल पार्टी है. एक कह रहा है नीचे जाओ, वो भी वही है, बिल्कुल सिमेट्रिक एम्पलीफायर ये वो. तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? दरमियान में रहेगी फिर अगर मतलब जिधर डीसी लेवल था उसका, जो डीसी लेवल था वहीं पे बैठी रहेगी. एसी में चेंज ही नहीं होगी. उसने एसी में कहा ऊपर जा रहा हूँ मैं, उसने नीचे जा रहा हूँ. दोनों का सोर्स फॉलो, दोनों की सोर्स ने इसको इसकी सोर्स ने इसको फॉलो करना है, इसकी सोर्स ने इसको फॉलो करना है. तो भाई वो तो शॉर्ट है, वो किसको फॉलो करे? वो यही करेगी. तो कहेगी अच्छा एक ऊपर जा रहा है उतना ही अमाउंट, एक उतना नीचे जा रहा है, सो एवरेज इज जीरो. मैं तो जिधर थी उधर ही हूँ. जब कोई चीज ए सी पे रेस्पॉन्ड ना करे और अपनी वैल्यू पे टिकी रहे, सो हाउ डू वी कॉल इट? द ए सी ग्राउंड, ग्राउंड होता जीरो बिल्कुल. सो इट्स नॉट रियली अ डी सी ग्राउंड और एनीथिंग, इट्स एन ए सी ग्राउंड. यानी कि ये टाइम के लिहाज से वेरी नहीं करता. तो एंड इट्स एन ए सी ग्राउंड, देन ऑब्वियसली दिस इज गॉन, सही है. And this is gone now. This circuit has really simplified. अब तो आप इसकी शक्ल देख के बता सकते हैं इसका गेन क्या है. क्या है भाई गेन इसका? GMRD parallel with R not. Yeah. So let's just assume. अब assume कर लेते हैं ये साहब जो हैं. This guy is delta zero. So minus GMRD. सही है. दूसरे वाले जो आधा हिस्सा रह गया हाफ सर्किट का, उसका गेन क्या होगा? प्लस में होगा उसका गेन, माइनस. हाँ हाँ वही वही वही. मतलब इफ यू आस्क मी, मैं वीन टू की जगह माइनस वीन रख दूं, वीन वन रख दूं, बिल्कुल सही है. आपका फाइनल आउटपुट क्या है? माइनस माइनस बी आउट टू ओवर, सही है, माइनस जी एम आर डी
going to get what? Minus 2 GM RD. ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है भाई कि आपका गेन जो है वो डबल हो गया. क्या ऐसा ही है? क्या गेन डबल हो गया है? So if I call this AV differential, गेन डबल हो गया है या कुछ और फैक्टर भी कहीं छुपा हुआ है? GM क्या होता है? 2 ID over KM, चलो square root. इस वक्त जो पूरा करंट जाया करता था असल में एक एम्पलीफायर में, असल में अभी तो यहाँ कितना आता है, यहाँ ISS आता है ना, यहाँ ISS by 2 आता है और यहाँ ISS by 2 आता है, सही है? तो जब हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं ना भाई, तो हम अपने सर्किट को किधर चलाने की बात कर रहे हैं? किधर गया हम अपने सर्किट को? हाँ, so when we are talking about a small signal perspective, तो हमारा सर्किट बस इस रीजन के अंदर काम कर रहा है, सही है? ये बाहर जाकर तो आप बिल्कुल ही सैचुरेट हो गया, तो वैसे ही नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा. लेकिन इफ यू वांट हाई गेन, तो स्मॉल सिग्नल परस्पेक्टिव ये मतलब है कि छोटा सा इनपुट को ही दिया हुआ है और उस पर आप आउटपुट देख रहे हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, सही है? तो ये परस्पेक्टिव क्यों याद करना जरूरी था कि जरूरी था या भी आ जाए यार, हाँ, कि करंट जो है वो दोनों में अभी तकरीबन आधा आधा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, सही है? तो आप ऐसी किसी एक्सट्रीम पर नहीं बैठे हैं अभी, एक को पूरा करंट मिल गया और एक को आधा मिल गया. सो जब करंट आधा है तो क्या बनेगी भाई इधर? 2 ID by 2 over KN square root, ये फारे हो गए. सो द GM दैट यू आर गेटिंग in your half circuits is actually root 2 of the actual GM. ki agar pura current flow kar raha hota, pura ISS ek se flow kar raha hota, to aap gain mil jata. lekin abhi bhi gain aapka obviously amplify hua hai by a factor of root 2 jo hai, aapko ek behtar gain mil gaya hai. isko thoda sa book se देखकर समझ भी लेना, सही है? तो अच्छा, इसकी RN बता दो. ये अब ये चीजें तो यू गाइस कैन टेल मी, मतलब जवानी RN क्या है इसकी? इनफिनिटी. यप, इनफाइनाइट. दोनों इनपुट्स जो हैं वो गेट पे लगी हैं, दोनों को इनफाइनाइट नजर आ रही है. R out इज अ बिट ट्रिकी. R out क्या है? डिफरेंशियल या आर आउट कैसे देखी जाए? यार पिछली दफा भी मैं तुम लोगों का वो जो होमवर्क था ना, वो असाइनमेंट, वो मैं अपलोड ही करना भूल गया था. वहां मैंने सब कुछ कहा भी था, ये होगा वो होगा वो होगा, और उसके बाद में सब भूल गया. ऐसे में मेरे वालिद साहब कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, उनकी थोड़ी हालत खराब हो गई थी, तो वो अभी भी जरा कुछ ऐसे ही चल रहा है. तो दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट, आर आउट फाइंड आउट करो. तो अगर यार मैं अपलोड नहीं किया करूं, बिलाल यार मुझे याद दिला दिया करो भाई कि वो अपलोड करेंगे तो हम जवाब देंगे ना. चलो सब ठीक है. आर आउट ऑफ दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये बुक के अंदर हुआ है, तो उन्होंने देखना है, समझना है और छापा मारना है, सही है? सो दिस आई गेस, लेट मी चेक माय नोट्स. दिस एंड्स द डिफरेंशियल एम्पलीफायर. या I think सही है. इसको अभी हमें बहुत ज़्यादा अभी कॉमन मोड एनालिसिस हमने करनी थी, अभी नहीं कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, सही है? आगे देखेंगे कभी, राइट? तो अभी चलो 10 मिनट के बाद एक नमाज वमाज का ब्रेक ले लेना, लेकिन आई वुड गो ऑन टिल 7 PM इंशाल्लाह टुडे, सही है? 10 मिनट में मैं एक और साइट पर आता हूँ. सो दिस इज बिलाल, जरा कंफर्म करना कि वी आर स्टार्टिंग.
frequency response. So I guess that is chapter 7 or what? सर मैं देख के बताता हूँ, कंफर्म करके. हाँ बुक में देख लो. मेरे पास है, मैं देख के बताता हूँ. एक मिनट जाएगा. अच्छा इस इतवार को भाई तुम लोगों को फिर कोई क्लास है क्या यार? मैंने तुम लोगों का RATS सेशन भी रखवाना है, उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं तुम्होंने बैठकर. तो इस इतवार को क्या हालात हैं बिलाल? तुम चेक कर लेना सबकी अवेलेबिलिटी, वरना वो यही होगा कि फिर वो एसिंक्रोनस मोड में डालते हैं हम लोग. सर वही असल में लैब्स वगैरह यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करनी होती, तो सुबह और शाम दोनों है, तो शाम में फिर एसिंक मोड में हम लोग डाल देते हैं. सही है, तो वो बस काम करते हैं. ठीक है सर. ओके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर्स राइट. चैप्टर नंबर 6 है बेहजाद का. चैप्टर 6 राइट. बेहजाद का छठे छठे चैप्टर तक पहुंच गए. सही है. अच्छा अब मतलब सो आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू वेरी जनरल क्वेश्चंस. Why frequency dependent response from circuits? और ये क्या चीज होती है, मतलब frequency response of amplifier क्या होता क्या है? मतलब कोई example दो, कोई एक दो ऐसे नाम वाम लो कि जिसमें frequency dependent response आता है किसी circuit का. For example कोई मशहूर circuit नाम उसका. For example, ये शायद देखा हुई होगा ओमेगा, and then let's say फेज आ सकता है या मैग्नीट्यूड आ सकता है. हाँ, so इस टाइप का रिस्पांस देखा हुआ होगा, इसको क्या कहते हो? बॉडी प्लॉट. नहीं बॉडी प्लॉट तो कहते हो, ये किस टाइप, इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हो? फिल्टर्स. फिल्टर लो पास. अच्छा इस टाइप की चीज भी देखी हुई होगी. सही है, इसको क्या कह देते हो? हाई पास फिल्टर कह देते हो. इस टाइप की चीज भी देखी होगी, इसको बैंड पास कह देते हो. और इस टाइप की चीज भी देखी हुई होगी, इसको क्या कहते हो? नॉच स्टॉप. यहाँ बैंड स्टॉप फिल्टर या नॉच फिल्टर. सही. सो ये सर्किट्स देखे हुए तो हैं तुमने. तो व्हाई डू वी गेट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ सर्किट जिसका के रिस्पॉन्स ऐसा था कि जिसको हमने कहा कि भाई ये ऐसा है लो पास है. सो सर्किट को क्या हो गया है एकदम कि कुछ फ्रीक्वेंसी तक सीधा चलता रहा, उसके बाद उस सर्किट की आउटपुट का रिस्पांस गिरना शुरू हो गया. इनपुट को कुछ नहीं हुआ था, आउटपुट का रिस्पांस गिरना शुरू हो गया. तो ये क्या हुआ क्या, मतलब वेयर इज ऑल दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस कमिंग फ्रॉम? सही, बेसिकली इसका जो गेन की हमारे पास आती है उसमें जीरोस और पोल्स की जो प्लेसमेंट वगैरह होती है, इस वजह से इसके अंदर ये रिस्पांस तरीके से आ रहा होता है. चलो अब एक दो नाम बिलाल ने ले दिए तो वही मैं लिख देता हूँ आपके सामने. बिलाल कह रहा है कि भाई एक चीज होती है जीरोस और एक चीज होती है पोल्स. तो आप ये अब खुद ही समझाएं आप लोग की क्या चीज होती है. सर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो हमारे पास पोल्स होते हैं. पोल्स बेसिकली हमारे पास स्टेबिलिटी बता रहे होते हैं कि भाई जो हमारा सिस्टम है कितना या स्टेबल है या अनस्टेबल है. और जीरोस हमारे पास न्यूमरेटर में होती हैं टर्म जो कि बेसिकली एस के साथ जो भी चीज होगी. मतलब मैं ये लिखूं सो दिस इज अ पोल? नहीं, इसके साथ एस की टर्म आनी चाहिए, लाइक 3s या 3s स्क्वायर. जी किस चीज का डिनोमिनेटर? सिस्टम की जो जैसे कोई गेन की इक्वेशन है हमारे पास, आउटपुट अमाउंट, ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन, बिल्कुल फंक्शन. राइट, सो ट्रांसफर फंक्शन एंड देन लुकिंग एट इट इन एस डोमेन. तो बिलाल के बकौल ये हिस्सा पोल्स हैं, ये हिस्सा जीरोज हैं. तो यार ये चलो LCS की हद तक तो बहुत अच्छी बात है. आप लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स पढ़े, आपने बनाया एक ट्रांसफर फंक्शन और उसके बाद आपने कहा ये जीरो है ये पोल है वगैरह वगैरह. तो यार सर्किट्स को क्या तकलीफ हो जाती है? ये जीरोज और पोल्स कहाँ से आना शुरू हो जाते हैं सर्किट्स के अंदर, मतलब रियल चीज के अंदर? सर्किट के अंदर जिस तरीके से अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस होती है, इंडक्टेंस होती है, तो इसको अगर हम लोग एस डोमेन में लेके जाएं तो हमारे पास एस स्क्वायर वगैरह भी आ रहा होता है. तो इसी उसी
कैपेसिटेंस होती है और इंडक्टेंस होती है, सही। अच्छा चलो मैं एक सर्किट बना दूं, सही है। सो दिस इज माय वी आउट, दिस इज माय वी इन। तुम कैपेसिटेंस कह रहे थे, मैंने दो कैपेसिटेंस लेनी थी मैं, सही है। सो इफ आई जस्ट प्लॉट इट्स वोल्टेज डिवीजन, मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहा हूँ। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एस डोमेन में मतलब 1/SC1, सही है, 1/SC2, 1/SC ब्ला ब्ला ब्ला, वोल्टेज डिवीजन फलाना फलाना एसेट्रा एसेट्रा। इसका ट्रांसफर फंक्शन जो आया है एस डोमेन में, विच इज वी आउट एस डिवाइडेड बाय वी इन एस, वो ये आया। सो अब कहाँ है भाई पोल और कहाँ है जीरो, और इस सर्किट का क्या रिस्पॉन्स है, लो पास, हाई पास, बैंड पास? मतलब अगर कैपेसिटर ही कसूरवार था, मैंने कहा यार दो ले लो चलो कैपेसिटर, या अब मैं इंडक्टर से नहीं कर रहा, वो खुद मेहनत कर लेना, दो इंडक्टर लगा के देख लेना, ठीक है। अगर इंडक्टर ही कसूरवार है, मसला है क्या, मतलब व्हाई डू सर्किट्स एग्जिबिट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, जो कि मतलब पोल्स और जीरोस को गिव राइज कर देती है। अब अभी तो अभी तक जो डेफिनेशन तुम लोगों ने बताई है, मतलब मेरे जैसा लेमैन आदमी जो कि तुम्हारी क्लास ले रहा है, तुमसे क्लास ले रहा है बेसिकली, वो ये अभी समझने की कोशिश कर रहा है भैया जीरोस क्या, मतलब मैथमेटिकली तो मैं समझ गया, किसी ट्रांसफर फंक्शन का ऊपर वाला हिस्सा जीरो होगा, किसी ट्रांसफर फंक्शन का नीचे वाला हिस्सा पोल होगा, ये चीजें क्या होती हैं, मतलब फिजिकली व्हाट आर दीस थिंग्स? सर कैपेसिटर और इंडक्टर की रिएक्टेंसेस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है ना, तो मतलब फ्रीक्वेंसी के मतलब इंक्रीज होने से उनकी रिएक्टेंस समटाइम्स कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यही बात बिलाल ने कही थी ना, मैंने उसको कहा यार दो ले लो कैपेसिटर, चलो एक एक की बात क्या करो, दो ले लो। उसके बाद मैंने ये आपके सामने निकाला, अब मुझे कंफ्यूजन ये हो गई कि इसके अंदर तो आई डोंट सी एनी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, नहीं है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। अब क्योंकि फिर आपकी कुछ आप लोगों की जो कुछ टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल 1/1+S, दिस इज अ लो पास फिल्टर, सही है ना, ये बिहेवियर दिखाएगा इस तरीके का। तो अब मुझे यहाँ तो कोई एस ही नहीं नजर आ रहा, तो ऑल ऑफ अ सडन एक के बजाय दो कैपेसिटर्स लगा के मुझे जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस गायब हो गई मेरी, ये अब मेरी समझ से बाहर हो गया, ये तो कुछ तो मसला तो है। दूसरा ये कि जीरोज और पोल्स छुपे हुए हैं, आपने ये बात भी चले कह दी, सही बात है ये कि रिएक्टेंसेस में छुपे हुए हैं। एक्सी क्या होती है, एक्सी एक कैपेसिटर की विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इट्स समथिंग लाइक दिस डिक्रीजिंग फंक्शन। एक्सएल क्या है, इट्स समथिंग लाइक दिस इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज एक्सी एंड दिस इज एक्सएल, फाइन। लेकिन इसी आश्रय पे मैंने इधर कैपेसिटर्स लगाए थे और जब उनसे मैंने ट्रांसफर फंक्शन निकाला तो मुझे जो नजर आया उसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस नहीं थी, सही है। सो इफ यू वांट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस और इफ योर सर्किट गिव्स यू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, वन ऑफ द इशू इज कि यू हैव दिस थिंग विच इज नॉट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। इसका बिहेवियर क्या है, स्ट्रेट, सही है। देन यू हैव समथिंग दैट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इन दिस मैनर, then you have something that is frequency dependent in this manner. So जब आप R को C से R को L से टकराएंगे, सही है, और फिर C को L से टकराएंगे, so then you're going to get a frequency independent and a frequency dependent element. जब ये combine करेंगे तो किसी वक्त ये dominate करेगा, किसी वक्त ये dominate करेगा, किसी वक्त इसकी frequency independent काम करती रहेगी और उसके बाद कैपेसिटर जीत जाएगा, तभी ये डोमिनेट करेगा तो इसकी काम करती रहेगी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक और उसके बाद रेजिस्टर जीत जाएगा, सही है। एंड देन इवेंचुअली यू वुड हैव, यहाँ जो मैं आपको चक्कर दे रहा था वो मैं ये चक्कर दे रहा था कि मैंने दो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट चीज़ों को आपस में टकरा दिया था, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट थिंग्स, जब वो एक दूसरे से टकराई उन्होंने एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस कैंसिल कर दी। दिस गाय इंट्रोड्यूस्ड अ जीरो, This guy introduced a pole at the same place. जब वो जीरो और पोल टकराए तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसीज जो हैं वो गायब हो गई। चलो अब ऐसा करो कि अगेन लेट्स टेक अ 5-10 मिनट नमाज ब्रेक, फिर बैठते हैं दोबारा, ठीक है सर? ठीक है।
तो सर आप हम लोग इंशाल्लाह 6:10 पर बैठेंगे। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और फ्रीक्वेंसी इनडिपेंडेंट सर्किट एलिमेंट को आपस में टकराएंगे तो तब जाकर आपको बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बिहेवियर मिलेगा। तो अब इस सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, वी आउट स्टेप्स स्किप करूंगा, तुम लोग घर में कर लेना यार स्टेप्स, इट्स अ सिंपल थिंग। सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट के वी आउट इन इन एस्टिमेट ऑफ कोर्स, सही है। तो चलो कर ही लेते हैं स्टेप्स क्या, मतलब वोल्टेज डिवीजन 1 ओवर SC ओवर R प्लस 1 ओवर SC, तो आखिर में क्या बचेगा 1 ओवर 1 प्लस SRC बचेगा, सही है। सो अब रजिस्टर अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो है वो उसकी वैल्यू लेट्स से कि आपकी किलो में है, इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं जो तुम लोग लैब में जिस वैल्यू पे काम करते हो नैनो फैराड्स में, जब किलो और नैनो टकराए हैं सो वी हैव अ मिली रिमेनिंग, तो जब तक के एस माइक्रो जो के नैनो और किलो टकरा गए ना तो माइक्रो कहां से मिली बचा ना, किलो तो किलो 3 ये किलो ओम है ये नैनो है तो -3 बचा ना 10 की पावर, सही है। तो जब तक के एस जो बराबर नहीं हो जाता 1 किलो के, 1 से छोटा ही है तो वो ऑब्वियसली 1/1 टाइप की कुछ वैल्यू आती रहेगी। तो अब मैं एस की जगह ओमेगा लिख रहा हूँ और मैं थोड़ी देर में उसकी रीजन बताऊंगा। सो ये सर्किट 1 वैल्यू देता रहेगा देता रहेगा, एक वैल्यू आएगी जिधर जाके फाइनली ये टर्न जो है 1 से बड़ी होना शुरू हो जाएगी एंड देन इट वुड स्टार्ट फॉलिंग डाउन लाइक दिस, सही है। तो एक वैल्यू आती है जिसको कि आप कहते हैं ओमेगा पी, सही है, और जिसको क्या पोल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस पर यहाँ क्या होता है भाई, जिसको के आप दूसरा नाम देते हैं 3 dB कट ऑफ, जितना आपका पोल से पहले का रेस्पॉन्स होता है उससे 3 dB जब आप ड्रॉप हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में तो आप उसको कहते हैं भाई ये वैल्यू जो है ना जिधर मैं इतना 3 dB ड्रॉप हुआ हूँ that value in frequency is my pole frequency, सही है। ये पुरानी बात है, मैं रफली तुम लोगों को ऐसे ही याद दिला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब S क्या होता गया, S लैपलास ट्रांसफॉर्म है क्या है, इसमें दो हिस्से होते हैं, ये क्या होता है इसका रियल पार्ट सिग्मा, यस। एस प्लेन क्या होता है सिग्मा एंड देन जे ओमेगा, ये क्या चीज होती है, अगर अगर मैं फर्ज करो सीधा 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 चलता रहूं कौन सी एक्सिस पे, चल भाई इस एक्सिस पे चलता रहूं जे ओमेगा पर, अच्छा ये सीधा तो नहीं है लेकिन बिलीव मी मैं सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ओमेगा जे ओमेगा एक्सिस पर, तो अगर मैं सीधा सीधा चलता रहूं जे ओमेगा एक्सिस पर तो सिस्टम में जो रिस्पांस आता है उसको आप क्या कहते हैं भाई, अनडैम्प्ड रिस्पांस, ऑसिलेशंस आ रही हैं इसमें, अनडैम्प्ड रिस्पांस नहीं ऑसिलेशन, मेरी ड्राइंग की वजह से नहीं समझ लेना, नहीं नहीं क्योंकि जो मेगा प्लेन पे है ना सर सिग्मा 0 है, मतलब मैं हां सिग्मा 0 है हां तो इस, लेकिन वो तो चलो सिग्मा तो मैं अभी अज्यूम नहीं कर रहा ना, सो मैं जब सिग्मा को 0 कर दूंगा एस किस चीज के बराबर हो जाएगा, एस बी इक्वल टू जे ओमेगा, सही है। ये जब मैं एस की जगह खाली इधर जे ओमेगा रखूंगा फॉर एग्जाम्पल, क्या किया मैंने इधर इधर एस की जगह जब जे ओमेगा रखूंगा तो मेरे पास एक रेस्पॉन्स आएगा इधर सिस्टम का, चलिए हाँ गया हाँ 1/1 jωRC, सही है। ओमेगा क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी दिस थिंग 2πf, ठीक है। तो अब मैं अगर इधर 2π भी रख दूं f भी रख दूं सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 j 2πfrc, नाउ आई हैव फ्रीक्वेंसी इन माय इक्वेशन, मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने ओमेगा को हटा दिया, ओमेगा की नॉर्मलाइजेशन वगैरह पर हम बात करेंगे तो फिर बाद में करेंगे थोड़ी, आज देखो आती नौबत की नहीं, राइट।
तो अब ये दिस इज एक्चुअली एन इक्वेशन जो कि अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ माई सर्किट जो कि मैंने कहां बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये बनाया था ऊपर, सही है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ माई ट्रांसफर सर्किट, या दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ट्रांसफर फंक्शन. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिपिक्ट कर रहा है ये वाला ट्रांसफर फंक्शन, सही है. जब तक मैं खाली एस लेके चल रहा हूँ और एस में से सिग्मा नहीं हटाया है, सो सिग्मा सिग्निफाइज द ट्रांजिएंट्स, कि सिग्मा यहाँ हो या यहाँ हो, सही है. तो आपका जो लैपलास का वो वाला हिस्सा है जिसमें कि बेसिकली यू गो फॉर दैट ई पावर दैट कंप्लीट जे सॉरी ई की पावर एस टी, तो अब जब उसमें ई की पावर एस की जगह आप सिग्मा प्लस ओमेगा टी रखते हैं, तो अगर इसमें सिग्मा जे ओमेगा सॉरी इसमें अगर सिग्मा पॉजिटिव हो, सही है, यानी कि इफ यू आर ऑन दिस साइड देन द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ योर सर्किट विल इंक्रीज विद टाइम. देखो ई की पावर सिग्मा टी, दिस इज अ ग्रोइंग रिस्पॉन्स, ठीक है. तो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, एंड देन जे ओमेगा टी, दिस इज द अदर रिस्पॉन्स जिसका कि नाम अभी मैं तुम्हें उसे पूछता हूँ. फॉर द टाइमिंग जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस, हाँ अगर तो ये ई की पावर सिग्मा जीरो है, ये जान छुट्टी से वी आर लाइंग ऑन दिस एक्सेस, जब सिग्मा जीरो है इस एक्सेस पे जब आप ट्रेवल करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जब मैं एस को खाली जे ओमेगा रख दूँ और सिग्मा को हटा दूँ, then this is the line that gives you the frequency response of the system. So yeah, कौन सा frequency response? So we have to be very careful. The steady state sinusoidal frequency response. So yeah, अब ये क्या चीज़ होती है भाई, steady state और ये. अब इसकी best example जो है ना वो एक पंखा है. आपने पंखा on करा, बंद पड़ा हुआ था, stationary था. आपने पंखा on करा है. तो अब पंखा जो है अगर मैं उसकी आरपीएम प्लॉट करूं पंखे की, सो विद टाइम पंखे साहब की आरपीएम जो जीरो थी वो बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू पे जाके आरपीएम, अब वो एक फिक्स आरपीएम से. क्या इसका मतलब, फिक्स आरपीएम का मतलब ये तो नहीं है ना कि पंखा जो है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी तो नहीं है, लेकिन अब फिक्स्ड स्पीड पे घूम रहा है, सही है. सो व्हेन वी चेक द रिस्पॉन्स ऑफ अवर सर्किट ऑन अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइनोसॉइड, ये दैट इज स्टेडी स्टेट साइनोसॉइड, मतलब वो फ्रीक्वेंसी तो हम स्वीप कर लेते हैं लेकिन बेसिकली हमने बाकी ट्रांजिएंट्स हटा दिए. कौन से ट्रांजिएंट्स हटा दिए भाई, ये पंखे वाले ये ट्रांजिएंट्स हटा दिए. पंखे साहब बंद थे और उसके बाद आपने बटन खोला था, वो आहिस्ता 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 अपनी जो है स्टडी स्टेट स्पीड की तरफ जा रहे थे वो अभी, सही है. अब आप अगर उस वक्त बैठे हैं ये देखने कि ओहो हो ये तो भाई अच्छा मेरे तो जब मैं इतना करंट देता हूँ तो ये तो पंखा जो है वो तो इसकी तो आरपीएम ही नहीं है सही, ये तो सही पंखा नहीं. अभी तो बेचारा अपने स्टडी स्टेट पे यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था, अभी तो इट वॉज गोइंग थ्रू ट्रांजिएंट. तो आपके जो सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स होता है जो कि आपने एलसीए वगैरह में, मतलब लीनियर सर्किट एनालिसिस के कोर्सेज में या इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस के कोर्सेज में पढ़ा होगा कि द रिस्पॉन्स ऑफ योर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड देन फोर्स्ड रिस्पॉन्स. सो दिस इज इसको ट्रांजिएंट है, सो दिस इज द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ योर सर्किट, सही है. कि आप फोर्स रिस्पॉन्स क्या होता है, या आपने एक सोर्स लगाई हुई है और वो सोर्स आपके सर्किट को एक तरफ धकेल रही है. जैसे पंखा क्या है, आपने स्विच ऑन करा है 220 वोल्ट दिया है, उसने उसको जगाया है, उठा के एक जगह लेकर आया है, अब नाउ इट इज रिवॉल्विंग एट अ फिक्स्ड आरपीएम, सही है. हाँ देयर वाज अ ट्रांजिएंट, उस पंखे में कुछ ट्रांजिएंट इश्यूज थे. क्या इश्यूज थे, कि एक तो स्टेशनरी था, उसमें इनर्शिया था, उसमें भाई मैं नहीं हिल रहा. अच्छा आपने कहा नहीं भाई हिलना तो होगा क्योंकि मैंने तो आपको वोल्टेज दिया है, करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो रहा है, ये हो रहा है. उसमें अच्छा भाई मैं तो अभी मतलब फ्रिक्शन है, मैं स्टेशनरी हूँ, मोमेंटम कम है, मुझे तो एनर्जी दो, मैं तो अभी स्लो हिलूंगा. आपने कहा अच्छा एनर्जी लो, स्लो हिलो, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी स्टोर होती गई
और मोमेंटम बढ़ता गया और फाइनली वो एक फिक्स स्पीड पर आ गया और ट्रांजिएंट जो थे उसके अंदर वो सारे कुछ खत्म हो गए और इवेंचुअली वो स्टेडी स्टेट पर आ गया। तो अपने सर्किट्स में हम ट्रांजिएंट्स कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक कैपेसिटर लगाया हुआ था किसी जगह, सही है? ये बस मैं पुरानी बातें याद दिला रहा हूँ क्विकली, सही है? एक कैपेसिटर था, यहाँ एक स्विच, इस कैपेसिटर में कोई इसका जो VC जीरो माइनस था यानी टाइम जीरो से पहले ये स्विच टाइम जीरो पे लग जाता है, सही है? यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है और इस पे कुछ वोल्टेज था वेरल टाइम जीरो से पहले ना। तो अब वो क्या करता है, जब आपने स्विच कनेक्ट करा और आपने आउटपुट ऑब्जर्व करना शुरू करा तो आपको ऑल ऑफ अ सडन एक वोल्टेज यहाँ से कुछ इधर से भी नजर आएगा, वोल्टेज का वो भी नजर आएगा। फिर क्या होगा, आहिस्ता कैपेसिटर साहब का जो पुराना वोल्टेज था वो इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज करके अब इवेंचुअली वही कुछ होगा जो कि इधर से डिक्टेट हो रहा है, सही है? तो ये बहुत सारे सवाल तुम लोग कर चुके होगे एलसी वगैरह के अंदर, वो कभी अगर मौका लगेगा तो इस टाइप की चीज़ें हम कुछ मतलब है ना रीइंफोर्समेंट्स टाइप के रख कर हम कवर कर लेंगे। बट द आइडिया इज दिस कि जब आप ट्रांजिएंट्स को आप कर चुके फारिग कि भाई मेरा सिस्टम में जो ट्रांजिएंट्स थे ये ग्रोइंग ट्रांजिएंट एक तो खैर था तो वो तो वैसे ही आप स्टेडी स्टेट पे तो कभी नहीं पहुंचने वाले। ग्रोइंग ट्रांजिएंट में क्या होगा कि फर्ज करें आप पंखा ऑन करते हैं और वो उसका खुदा ना हास्ता स्क्रू कुछ ऐसे लगाया कि वो स्लो स्पीड में थोड़ा सा हल्का हिल रहा था मैकेनिकली, मतलब रिवॉल्व तो कर रहा था लेकिन वो अपने किसी और एक्सेस में भी क्योंकि मैकेनिकली सही से फिक्स नहीं था तो वो उस पर हिल रहा था। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वो पागलों की तरह और हिलता जा रहा है और छत से टकरा रहा है, ये तो इट्स अ ग्रोइंग ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिएंट डाई आउट नहीं होने वाला। तो आपका सिस्टम एक उस मोड में एक उस फ्रीक्वेंसी में भी ऑसिलेट करता रहेगा जिसमें कि आप नहीं चाह रहे कोई, वो फिर आपका सिस्टम यहाँ बैठा हुआ मतलब एस डोमेन में ना टूवर्ड्स पॉजिटिव सिग्मा साइड। नेगेटिव सिग्मा क्या है कि भाई आपका ट्रांजिएंट है ऑब्वियसली पंखा स्टार्ट हुआ है थोड़ी देर में पहुंचेगा अपनी स्टेडी स्टेट पे, पर इट्स अ डाइंग ट्रांजिएंट, ये डाई कर जाएगा टाइम के साथ और इवेंचुअली आप कहाँ आ जाएंगे, आप फाइनली इस एक्सिस पर आकर बैठेंगे और इस एक्सिस पर जब आप अपने सिग्नल को एनालाइज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दिस इज माई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सही है? अब इशू क्या है कि जब आप इस एक्सिस की बात करते हैं, मुझसे फिर सीधा बनता नहीं है बार बार, when you are traveling on this circuit, on this axis, जब आप इस पे चल रहे हैं, so इस axis में चलते हुए आप इसको assume करें कि एक रोड है, इस axis में चलते हुए अगर कोई पहाड़ आएगा तो आपका response, अच्छा ये I'm not going towards right side, मैं सिर्फ conceptually दिखा रहा हूँ, so ये मैं तुम्हें 3D में basically जो मैं ऊपर जा रहा हूँ ये तुम्हारे plane से screen के plane से बाहर आ रहे हो, Z axis में है, XY में नहीं है, सही है? सो इट्स नॉट टूवर्ड्स सिग्मा एक्सेस। एक रास्ते में आप जा रहे थे आपके पहाड़ आ गए, आप ऊपर चले गए, अच्छा जा रहे थे एक गड्ढा आ गया आप नीचे चले गए, सो दिस पहाड़ इज अ पोल एंड दिस गड्ढा इज अ जीरो, सही है? तो जैसे जैसे अब मैं इसको सीधा करके बनाता हूँ तो आप जा रहे थे पहाड़ आया पोल आया और फिर जीरो आया कुछ हुआ ये वो, सही है? सो व्हाट्स हैपनिंग विद लो पास फंक्शन, आप जाते हैं भाई, सही है? एक पहाड़ की आपने इस वाली साइड से कहीं से स्टार्ट करा है जिधर पहाड़ थोड़ा सा फ्लैट था और उसके बाद नीचे गिरता था, सही है? तो आपने यहाँ कहीं से स्टार्ट करा है, तो आपका लो पास फिल्टर जो है यहाँ से स्टार्ट करता है, उसके बाद पहाड़ खत्म हो गया और अब आप नीचे जा रहे हैं, सही है? सो दिस इज समथिंग हैपनिंग। इसी तरीके से जब आप उसकी बात कर रहे हैं एक हाई पास फंक्शन की, सो पहाड़ गड्ढे की आपने इस वाली साइड से स्टार्ट करा है और अब आप यहाँ से निकल के ऊपर जा रहे हैं और फिर आप फाइनली फ्लैट होने वाले हैं, सो दिस इज जीरो ऑफ योर सर्किट, ठीक है? तो हमने थोड़ा सा मतलब इन चीजों को मैथमेटिक्स से हटकर एलसीएस से हटके कंट्रोल थ्योरी से हटकर और एस डोमेन से हटकर थोड़ा सा इंट्यूटिवली समझना है कि भैया पोल क्या है और जीरो क्या है। पोल is something that actually gives you a higher response of your circuit, so yeah, it's like a mountain,
जीरो सिस्टम के रिस्पॉन्स को नीचे खींचता है, इट्स लाइक अ डिच। ठीक है, तो अब ये हमने देख लिया, थोड़ा सा हमें ये बच गया एस डोमेन को हमने तोड़ना है, स्टेडी स्टेट में आना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, और बेसिकली दो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट चीजों को जब हम टकराएंगे वी आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस मोस्ट प्रोबेबली। सही है, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एनालिसिस किसी एम्पलीफायर की अभी तक जो भी हमने बनाया वो हम कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा रुको मैं राइट अच्छा इससे जो हम चलो पहले स्टार्ट कर देते हैं फिर आई वुड टेल यू इन द मिडल ऑफ दैट। राइट ओके सो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। मतलब बहुत बैकग्राउंड हो गया, सो लेट अस जस्ट प्लॉट सिंपल कॉमन सोर्स एम्पलीफायर और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं। लेट मी जस्ट सी कि तुम्हारी बुक इसको रजिस्टर के तौर पे प्रेफर करती है, प्रेफर करती है। Okay, so the book is doing it with the register. Get back to it. Okay, so book ye keh rahi hai, bhai, ye raha aapka common source amplifier. Naam mujhe zara wahi rakhne do jo ki book rakh rahi hai. So it's Hardy, and there's an RS. Okay. सही है, तो बुक कह रही है चले भाई आप निकालें इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ना, इसकी इक्वेशंस निकालें, क्या करें, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएं। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट स्मॉल सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो स्मॉल सिग्नल बना लेंगे। इज देयर समथिंग मिसिंग फ्रॉम दिस सर्किट? मतलब अभी आपसे बुक कह रही है जरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालो, actually you should so matlab abhi we should laugh back at this bhai isme capacitance kya hai, so this is a low frequency dc jo hai ye wo hai circuit, iska small signal equivalent banaunga usme bhi zahir hai wo dc, ab isme frequency response kahan se le aaun, so unless you draw all the intrinsic capacitances of the mosfet aapka frequency response ka sawal hi nahi khada hota। तो ये कौन सी कैपेसिटेंस याद है हमने पढ़ी थी, ये कौन सी कैपेसिटेंस याद है? इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस, हां इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस, सो CGS एंड CGD, सही है, ये हमने देखा था। अच्छा और भी कैपेसिटेंस हैं लेकिन वो जो हैं वो बहुत ज्यादा ना अभी रोल नहीं प्ले करेंगी, एक एक और बना लेते हैं, बाकी बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करेंगी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में, सो आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर दैट, लेट मी जस्ट सी सीडीबी राइट, सो ड्रेन बल्क। अच्छा बल्क साहब भी जो है एनमॉस के वो ग्राउंडेड ही हैं, सो दिस इज आल्सो अनदर कैपेसिटेंस जो के ग्राउंड हुई है। सो अब now we can actually talk about finding out its small signal matlab iska frequency response wali equation hum nikal sakte hain। acha zahir hai simple straightforward tarika kya hai, ab aap iska banaye small signal
कैपेसिटेंस जिधर 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 लगी है आप डीएटी का आगे केसीएल केवीएल ये वो लगाएं और फाइनली आप ये पकड़ा दें निकाल के ये इक्वेशन ये आउट ओवर भी इन निकाल के आप बता दें ये रहा आपका ट्रांसफर फंक्शन जाए बुक प्रपोजेस रादर डिफरेंट अप्रोच सही है वो दो मेथड्स बताती है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए वो मेथड्स क्या हैं पहले बुक आपको कहती है कि यार एक चीज होती है मिलर थ्योरम सही है मिलर थ्योरम में भी कहती है भाई अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिले गेन एलिमेंट माइनस ए और एक आपको एलिमेंट मिले सर्किट एलिमेंट ऐसा सी एफ जो कि आउटपुट और इनपुट नोड के बीच में इंटरेक्ट कर रहा है देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस सही है अच्छा अब इसका हो सकता है कि मैं इसका असाइनमेंट लोड कर दूं या हो सकता है मैं इससे रिलेटेड कोई क्विज लोड कर दूं इसकी डेरिवेशन तो देखो यहाँ बीच में जो डेरिवेशन है ना कैसे आता है ये चीज़ इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकती है तो बुक के अंदर दी हुई तो वो तुम लोग छाप सकते हो मे बी आई वुड गिव यू एन असाइनमेंट कि आप डेरिवेशन करें सो जो आखिरी पार्ट हुआ दैट इज मोर क्रिटिकल आई वुड लाइक यू गाइस टू गिव मी एन इंटुइटिव एक्सप्लेनेशन कि यार ये कैपेसिटेंस जो कि फीडबैक में लगी हुई है सी एफ ये इधर इनपुट पर ए से मल्टीप्लाई होकर नजर आती है यानी ये फर्ज करो कि आपके पास कैपेसिटेंस थी 1 नैनो और ये ए था 1000 तो आप इनपुट पे वुड लुक लाइक देयर इज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रो सो दैट इज मिलर इफेक्ट और मिलर थ्योरम सही है सो फॉर नाउ जस्ट टेक इट फ्रॉम मी कि हाँ ऐसा ही होता है अब रीजन आपने इंटुइटिव इसकी ढूंढनी है और दूसरा ये कि डेरिवेशन आपकी बुक में दी है सही है तो एक तो आपको ये बताता है टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन एक चीज और बताता है आपको ना बुक के आप यू कैन एसोसिएट पोल्स विद नोड्स अब ये क्या बात है तो इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी डेरिवेशन है लेट मी जस्ट डू दैट गाइस ये आरएसएन तो बुक आपकी कहती है कि भाई इफ द नॉन इंटरैक्ट इफ वी जस्ट इग्नोर जीरोस हम ये अज्यूम कर लेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन में कोई जीरो है नहीं सही है देख रहे हो ना पोल अगेन पोल लो पास लो पास लो पास इफ वी जस्ट इग्नोर जीरोस मतलब आएंगे जीरोस लेकिन ये के अच्छा इसको यार A1 and A2 एंड देन वी से कि ये जो नोड्स बन रही हैं ये नोड है ये नोड है और ये नोड है नोड्स डू नॉट इंटरैक्ट अब इंटरैक्ट का क्या मतलब है इंटरैक्ट का ये मतलब है कि यहाँ इसके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं लगा हुआ फ्रॉम नोड 1 to 2 सर्किट एलिमेंट से क्या मुराद है नोड 1 से 2 के बीच में कोई रेजिस्टर या कैपेसिटर नहीं है बीच में एम्पलीफायर आ गया जिसने इसको आइसोलेट कर दिया नोड 1 और 2 को सही है इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में A2 आ गया है और डायरेक्टली कोई रेजिस्टर और कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है सही है तो इस तरीके से नोड्स इंटरैक्ट नहीं कर रही तो तब हम ये एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि बी आउट over v in
is equal to सही है। तो हमने क्या किया, हमने इस नोड पर एक पोल एसोसिएट करा, उस पोल को क्या कहा, वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लो पास का निकाला था, 1/1+SRC A1 इसमें रख दिया, आगे A1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है, इसी तरीके से एक पोल एसोसिएट करा इस नोड से, अगेन दिस थिंग। सही है, सो 1+SR1C1 उसके बाद एम्पलीफायर लगा दिया, फिर एक इसके बाद एसोसिएट करा इससे। सो ये कह रहा है कि आप अगर इफ़ यू कैन मेक श्योर कि दो नोड्स के बीच में कोई सर्किट पैसिव सर्किट एलिमेंट नहीं है, इफ़ यू जस्ट वांट टू इग्नोर के देर इज नो जीरो इन द सर्किट, तो आप ऐसे एसोसिएट कर लें पोल्स। अब जरा इसको देखो, इसका फायदा क्या होगा, अभी हमें कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि अगर मैं इस सर्किट को देखूँ इधर, तो देर इज a strong interaction between input and output node because of CJD. सही है, अब CJD जो है वो बैठा हुआ है इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में, तो यहाँ तो दो नोड्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया, पहला मसला। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं यार यहाँ भी तो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इत्तफाक से दिस नोड इज ग्राउंडेड। सही है, जब दिस नोड इज ग्राउंडेड देन वी कैन जस्ट अज्यूम कि इसको ऐसे बनाने के बजाय मैं कैसे बना दूँ, मैं इसको इसको वहां ले जाने के बजाय आई कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस CGS। सही है, ग्राउंड टू ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, अगेन दिस थिंग इज आल्सो ग्राउंडेड। सही है, सो व्हाट आई कैन डू इज टू जस्ट मेक इट लुक विजुअली सिंपल, अगेन ग्राउंडेड। सही है, सो द ओनली इंटरेक्शन बिटवीन टू नोड्स दैट आई सी नाउ इज दिस PGD, एंड दिस इज वेयर माय मिलर थ्योरम हेल्प्स। सही है, मिलर थ्योरम साहब क्या फरमाते हैं, मिलर थ्योरम साहब ये कहते हैं कि अगर गेन है बीच में इनपुट आउटपुट और CF है, तो इनपुट पे उसको ऐसे कर दो, आउटपुट पे ऐसे कर दो। सही है, कहाँ है गेन, गेन भाई आपके कॉमन सोर्स में यहाँ से यही है ना, दिस इज आउटपुट नोड। सही है, दिस वन इज इनपुट नोड, तो यही तो गेन है, सो दिस गाय इज योर गेन। सो इफ यू अप्लाई मिलर थ्योरम टू इट, what we can do, we can convert this circuit into a rather simpler circuit ek minute hold karna hai
तो ये कि हम अब इस सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सिंपलर सर्किट जो कि आरडी। तो अब जब मिलर इफेक्ट अप्लाई करता हूं तो जो सीजीडी थी ये इधर, आई कैन ब्रेक इट इनटू टू कैपेसिटेंसेस। मिलर इफेक्ट ने ये कहा था ना कि एक आप इनपुट नोड पे कर दें और एक आप आउटपुट नोड पे कर दें, सही है। तो इनपुट नोड वाली का क्या है, उस पर आ जाएगा वन प्लस ए सी जी डी। अब ए जो भी है वो बाद में देखेंगे कि गेन कितना है सर्किट का, और यहाँ पर आ जाएगा सी जी डी वापस, बस एज इज, सही है, यही कहा था मिलर इफेक्ट। उसके बाद भाई यहाँ पर मेरे पास था एक आर एस, ऊपर आप देखें यहाँ पर वी इन लगा हुआ था, सही है। उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पर सी ड्रेन टू बल्क कैपेसिटेंस भी थी, और एक यहाँ मेरे पास सी जी एस भी थी, सही है। सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्ट सीइंग थ्री नोड्स इन माय सर्किट। एक नोड ये रही जिस पे आके आर एस लग रहा है, सी लग रहा है, एक नोड ये रही, ये अगेन अज्यूमिंग दिस इज ए सी ग्राउंड, एक नोड ये रही जिसपे कि एक आर डी लग रहा है और ये सी लग रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस जब ही नजर आएगी जब उधर एक फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट और एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट चीज टकराएगी। आर आर से टकरा रहा होता अगर इधर, तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट कि आप जबरदस्ती उधर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस जाना तलाश करना खड़े हो जाए। तो अब जो दूसरा वाला एसोसिएटिंग पोल वाला जो रेस्पॉन्स जो हमने वो करना है, तो वॉट वी कैन डू इज कि हम इसको वी आउट और वी इन को हम ऐसे कर सकते हैं कि अब हम दो नोड्स एसोसिएट करने शुरू करें। रुको मैं जरा इक्वेशन एग्जैक्टली छोड़ दूं, सो या ओके यस दैट्स मच बेटर। बुक क्या करती है, बुक कहती है चलें पहले आप, अभी तो मैं बहुत डायरेक्ट हो रहा था, बुक कहती है चलें अब आप पहले इनपुट पोल की बात करें। सो ओमेगा इन, सही है। सो इस पोल की आप बात करें, इस पोल पर आपको वन ओवर वन प्लस एस आर एस और कैपेसिटेंस कितनी नजर आ रही है। इफ आई अज्यूम कि ए इज मच मच लार्जर देन वन, तो यार इस वन को मैं इग्नोर कर देता हूँ, सही है। ए इज मच लार्जर, तो थाउजेंड सी जी डी के मुकाबले वन क्या सलाह करेगा, तो उसको मैं ए सी जी डी कर देता हूँ। तो इधर एक मुझे कैपेसिटेंस नजर आ रही है ए सी जी डी और प्लस सी जी एस, तो दिस इज अ पोल दैट आई सी हियर। अब यहाँ पर एक एक पोल एक नोड है, उसको वो कहता है कि अच्छा भैया आप इसको क्या, वो आउटपुट नोड है तो उसका नाम हम ओमेगा आउट रखते हैं, एंड देन द रजिस्टर दैट आई सी देयर इज आर डी, सो वन प्लस एस आर डी एंड देन सी जी डी प्लस सी डी बी, सही है। उसके बाद वो आपसे कहता है कि यार अब आप अलग नाम लें और इनको कंबाइन कर दें, सो वी आउट ओवर वी इन एस डोमेन इज इक्वल टू A over मैं थोड़ा सा गलत कर गया हूँ, let me just correct it। मैं असल में पोल के साथ ना S को नहीं मिलाना चाहिए था मुझे। So if I just am writing omega in ना, तो ये पूरी equation लिख दी मैंने तो ना transfer function की। So I am just writing omega. So this is omega. Omega क्या होता है? For example, जब transfer function होता है, so 1 over 1 plus, let's say, okay, omega RC. S की जगह मैंने omega लिख दिया, सही है। So omega अब किस चीज के बराबर है भाई? Omega of pole is equal to 1 over RC. If I just ignore the minus sign, जब मैं इसको equal to 0 रखूंगा, तो उधर 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 कर दूंगा, omega is equal to RC, सही है। So I just have to see के R क्या है उधर और C क्या है। So this is omega. अब मैं जब इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा ना, then I would write the complete equation के one plus s over omega p। अब देखो अगर मैंने यहाँ इस इक्वेशन को वापस लाना है, so omega अगर मैं यहाँ पर one over rc है ना, तो omega basically अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ, वन प्लस एस आर सी था ना, ओमेगा इज इक्वल टू वन ओवर आर सी, सो इफ आई जस्ट प्लेस वन ओवर एस सी,
तो आई एम गोइंग टू गेट दिस 1 ओवर 1 प्लस SRC इक्वेशन वापस आ जाएगी. सो दिस इज अ जेनेरिक वे ऑफ राइटिंग कि आप ओमेगा पी इन इस तरीके से सही है. तो ये तुम लोग LCS में देख चुके होगे. सॉरी मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम भी शॉर्ट है एंड आई आल्सो हैव टू डू समथिंग एल्स. तो खैर तो ये क्या, अच्छा ए के बारे में क्या ख्याल है भाई सर्किट का, द डीसी गेन ऑफ दिस सर्किट व्हाट इज दैट इक्वल टू. ये इट्स अ प्योर इनोसेंट कॉमन सोर्स सर्किट जिसकी के हमने इतनी कॉम्प्लिकेशन करके सांस लेना मुश्किल बना दी है. सो अगर ये कैपेसिटर कैपेसिटर नहीं होता तो इसका डीसी गेन क्या था भाई इस सर्किट का. GM into RD. Yes, minus GM RD. Right. उसके बाद बस अब तुम लोगों ने ये करना है कि अब मैं नहीं लिख रहा अभी इक्वेशन, ये खुद से लिख लेना. वन प्लस एस, चलो यहाँ लिख देता हूँ यार, आर एस ए सी जी डी प्लस सी जी एस प्लस एस सॉरी वन प्लस एस यस, यहाँ ये बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ एंड देन अगेन अनदर वन वन प्लस बता देता हूँ. वन प्लस एस आर डी सी डी बी प्लस सी जी डी सही है. ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ. सो दिस इज फाइनली द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. अब मैं असाइनमेंट या तो ये दूंगा कि यही वाला काम जो अभी किया ना उन्होंने, या वो जो पीछे जिक्र किया वो दूंगा. यही वाला काम जो है जरा क्या करना कि ये बनाना जरा इस सर्किट का बेसिकली इसी शक्ल में, प्योर शक्ल में, विदाउट अप्लाइंग मिलर इफेक्ट, विदाउट एसोसिएटिंग पोल्स विद नोड्स, इसका बनाना कंप्लीट स्मॉल सिग्नल मॉडल. उस पर KCL KVL ये वो लगा इस इक्वेशन तक जाना, अच्छा इस इक्वेशन तक जाकर, यार क्यों अटक रहा है मेरा पीछे, इस इक्वेशन तक जाना. तो इस इक्वेशन में इतना हिस्सा ना तुम लोगों का आ जाएगा, लेकिन देर वुड बी अनदर थिंग हियर. अब देन देर वुड बी अ जीरो जो कि अभी हमने ना इग्नोर किया था उस जीरो को, सही है. तो परेशान नहीं होना, इट्स द सेम थिंग, मतलब इक्वेशन तुमने सही निकाली होगी, बट देर वुड बी एन एक्स्ट्रा टर्म ऑफ अ जीरो हियर. उसमें ट्रस्ट मी देर वुड बी अ सी जी डी एंड देर वुड बी एन आर डी देर एज वेल, सही है. तो इस टाइप की कोई टर्म होगी तो वो गलती नहीं है, वो मतलब हमने इधर अज्यूम इग्नोर किया जीरो को, इस वजह से वो जीरो नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि हम खाली पोल्स ही लेकर चले. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड टुडे कि हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को देखना शुरू करा, डीसी रिस्पॉन्सेस से हम बाहर आ गए. अब मैं थोड़ा सा ना एक क्विक रिव्यू देते जाऊँ कि इस कोर्स में हो क्या रहा है, होता क्या रहा है और आगे क्या होगा. सो देखो भाई, हमने ना थोड़ा सा पढ़ी डिवाइस फिजिक्स, सही है. हमने उसके बाद जो है मतलब बेसिकली बिल्कुल बेसिक लेवल पे MOSFET के IV कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखे, सही है. थोड़े से सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स देखे जो कि अभी हम एम्पलीफायर्स में इंक्लूड नहीं कर रहे, आगे हम इंक्लूड करेंगे. उसके बाद हमने बायसिंग देखी, उसके बाद हमने बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन देखी, फिर हमने बेसिक डिफरेंशियल पेयर देखा, सही है. उसके बाद अब हम जो है आज हमने शुरू कर दिया है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सही है. सो यहाँ तक जो मामला थे दैट वाज ऑल डीसी, नो कैपेसिटेंस, नो फ्रीक्वेंसी, नो नथिंग, सही है. अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं. आज हमने कॉमन सोर्स का एक क्विकली देख लिया है, एक एम्पलीफायर का बस और देखेंगे बिकॉज मतलब कॉम्प्लिकेटेड हैं बाकियों के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो ये अगली क्लास में इंशाल्लाह जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा. हम टच करेंगे नॉइज इन MOSFET सर्किट्स को, सही है. ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टार्ट कर लेंगे, सही है. उसके बाद हम
उसके बाद हमने ना मतलब the main thing of this course is a systematic design of an OTA. OTA क्या है? Operational Transconductance Amplifier. ये हमने systematic design करना है from starting from specs. तुम्हारे सामने खाली specs पड़ी हैं, ये gain चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. OTA बना दो. So how do you start? Where do you start from? So that is the main thing. सही है, थोड़ा सा हम क्योंकि इन्होंने exams को भी पीछे shift कर दिया, हमारी classes भी कुछ miss हुई हैं. So बीच में से मैंने feedback को skip कर दिया. तो पहले हम OTA बना लेंगे, फिर अगर हमें टाइम मिला तो हम फीडबैक पढ़ लेंगे, वरना यहीं तक पढ़ के हम जो है एग्जाम एग्जाम देंगे. फीडबैक में आपको अलग से ना छुट्टियों में मतलब आउटसाइड द कोर्स छुट्टियों उट्टियों में लेक्चर करके हम कवर कर लेंगे, तो उसको ड्रॉप नहीं करेंगे ताकि आगे कहीं आए तो वो जो है कवर हो जाए. सही है. अच्छा, इसके अंदर भाई एक प्रोजेक्ट भी करना था, सिमुलेशन भी करनी थी, वो सारा कुछ जो है ना वो मामला बिल्कुल आसरा ही नहीं बन पा रहा कैंपस खुलने का और सारा कुछ होने का. ये जो था मामला ये करना था किसी तरीके से. सही है, अभी भी आई वुड डिस्कस इट विद माई टीम. सही है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका हमने ना क्या हल निकालना है, कि हम आपको अभी भी में के मतलब मूड में हैं कि हम आपको इसको क्या टूल्स पे हम कराएं. सही है, तो ये हो सकता है कि हम आपके अगर बिल्कुल हम कैट टूल्स तक एक्सेस ये वो टाइम शॉर्टेज वगैरह सारे मसले हमें गले में फंसे रहे, तो हम आपके साथ ये फिर करें कि आप जो इसका हम आप हमें कैलकुलेशंस करके दें, हम आपके सामने बैठकर आपके साथ ऑनलाइन बैठकर उन कैलकुलेशंस को टूल्स में डालें और आपको सिमुलेट करके आपके सामने दिखाएं कि आपके ट्रांजिस्टर ओटा का क्या हाल वगैरह हो रहा है. सही है, तो कम अज कम एटलीस्ट यू गेट अ फीलिंग के ये, तो वो फिर आप ये कर सकते हैं कि मतलब हम फिर जब आगे दिसंबर के एंड में जनवरी स्टार्ट में थोड़ा सा एक आध हफ्ते तो तुम लोग याशी करना, छुट्टी उट्टी करना एग्जाम्स के बाद, उसके बाद दोबारा आना तो हम लोग पकड़ गए ना तुम्हें फिर. सो वी डोंट हैव टू रियली कन्फाइन अवर सेल्फ विद इन अ कोर्स, कि हाँ कोर्स में नहीं हुआ तो बस मिस हो गया, खत्म हो गया. दैट्स नॉट द आइडिया. वो एक चीज़ है जो कि करनी है, आगे पीछे करके ना हम लोग कर लेंगे, तो वो उस पर परेशान नहीं होना. सही है, और कोई इसमें अगर कोई सवाल जवाब नहीं है तो बस फिर आज खत्म करते हैं. सर वो जो आप कोर्स ऑफर करेंगे वो कब पता चलेगा? यार वो मैंने लिख तो दिया उधर, सो दैट इज एडवांस एनालॉग एटसेट्रा एटसेट्रा, वो AICD 2 है ना. जी जी. अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा यार ये बता दूं, जो ओरिजिनल स्कीम ऑफ स्टडीज थी ना जब हमने बनाई थी, तो उसमें वी पुट इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स. उसमें HEC ने एक मसला डाल दिया है कि हर MS प्रोग्राम में उन्होंने ना कुछ कोर कोर्सेज डाल दिए. अच्छा, वो माशाल्लाह से कोर कोर्सेज जो हैं वो HEC अब मैं क्या, बहरहाल चलो बिलाल रिकॉर्डिंग बंद कर दो तो फिर मैं थोड़ा सा खुल के बात करूँ.